हेलो गाइस, क्या हालचाल है। आई एम बैक विथ अनदर क्वेश्चन गाइस। आई होप कि आप सब एकदम मस्त मजे में हैं। हाँ जी हाँ गाइस, मुझे पता है कि कल हम नहीं थे एंड सैटरडे को भी नहीं थे गाइस। यस आई नो, थोड़ा सा थोड़ी तबीयत खराब थी, इसके लिए नहीं कर पाए स्ट्रीमिंग। बट जी हाँ, ज़रूर, ऐसा कोई इशू नहीं है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रीमिंग तो अपनी चलती रहेगी गाइस। ऑल्सो एक प्री अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि कल मतलब टुमोरो आई वोंट बी देयर बिकॉज आई विल हैव टू गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। बट परसों से वापस से हमारी स्ट्रीम जैसे हो रही है वैसी होने वाली है। और आज तो भाई फुल बूम बाम होने वाला है, देखते हैं यहाँ पे बंदे कितने आ रहे हैं। फिलहाल के लिए 42 बंदे यहाँ पे रूम में आ चुके हैं एंड देखते ही देखते बंदे यहाँ पे धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं रूम, कस्टम रूम में। देखते हैं भाई क्या सीन चल रहा है यहाँ पे बंदों के साथ में। टारगेट ई स्पोर्ट्स के बंदे यहाँ पे आते हुए हमें दिख रहे हैं, वहीं पे ऑन टॉप के बंदे आके बैठ चुके हैं ऑलरेडी। ओ भाई FHM के बंदे आगे बैठ गए, बास के बंदे यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं। स्लॉट नंबर 10 में है हैशटैग एज यूजुअल टारगेट स्पोर्ट। ओके, दो बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं, दो स्पोर्ट्स के बंदे भी ऑलरेडी आ चुके हैं, TSN के बंदे आ चुके हैं। स्लॉट नंबर 16 यहाँ पे फुल हो चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम स्लॉट बाकी है अभी फिलहाल के लिए। तो फोर ऑर्ड के बंदे नहीं आए हैं, फोर ऑर्ड के बंदे यहाँ पे आ जाएंगे। स्लॉट नंबर 17 में है तो MTF की स्क्वाड आके बैठ गई है। 18 इज रॉक्स स्पोर्ट, 19 इज टीम FE। देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। स्लॉट नंबर 20 इज टारगेट स्पोर्ट्स अगेन आई गेस। तो या जी हाँ गाइस, स्लॉट नंबर 20 इज टारगेट स्पोर्ट्स। स्लॉट नंबर 12 वॉर स्पोर्ट्स का है, टारगेट स्पोर्ट्स का नहीं है, तो उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। राइजोन को यहाँ पे स्लॉट नंबर 20 में आना पड़ेगा। ऑल्सो BMBR इज इन द मूड राइट नाउ, यहाँ पे स्लॉट नंबर 22 में आके बैठ चुके हैं। स्लॉट नंबर 23, 24, 25 तो GNR के नॉर्मल होते हैं। एंड बैलेंस स्पोर्ट्स के भाई DJ भी ऑलरेडी आके बैठ गए। तो देखते हैं यहाँ पे गाइस कितने बंदे और आने वाले हैं। फिलहाल के लिए 54 ऑडियंस आ चुकी है। एंड रैकिंग क्रू स्लॉट नंबर 5 आज आके भाई बूम बाम करने वाले हैं। मे बी यहाँ पे नोवा के स्लॉट में आ चुके हैं, इसका मतलब है रैकिंग क्रू के जो सिक बॉय है उनको नोवा की तरफ से लोन पे ले लिया गया है। हेलो ज्यूस हार्ट, हेलो मिस्टर शार्ट एंड ज्यूस डबल हार्ट ऑन टॉप सोनिक। आइए GNR स्क्रीम्स, आइए मेरे भाई ऑन टॉप स्क्वाड बोलते ब्रो। हेल बॉय ओपी भाई, मैं स्टार हेल बॉय बोल रहा हूँ। अभी बंदे ऑफ है तो 3-4 दिन नहीं खेल पाएंगे। ओके नो प्रॉब्लम ब्रो, नो वरीज, चलता है ब्रो फुल बूम बम। गाइस हम लोग यहाँ पे 2 मिनट और वेट करने वाले हैं, लास्ट 2 मिनट का यहाँ पे कॉल दे देता हूँ बंदों को, ताकि बंदों को भी मालूम पड़े एग्जैक्टली हम लोग कभी स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पे कोई इशू नहीं रहेगा। 2 मिनट का हमने कॉल दे दिया है, यहाँ पे 2 मिनट में अगर बंदे नहीं आएंगे तो वी विल हैव टू स्टार्ट द कस्टम्स। और देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग आके बैठ चुके हैं। वेरी गुड गेम, थैंक यू सो मच डैडी। बंदे यहाँ पे आ रहे हैं धीरे धीरे आके, ऑलमोस्ट 60 की यहाँ पे लॉबी बन चुकी है, 75-80 की लॉबी बनती है गाइस, हमारे नॉर्मल जैसे लॉबी होती है। स्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4 प्लीज कोई ना बैठिएगा, क्योंकि स्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4 में अगर बैठेंगे तो आप लोगों को किक किया जाएगा। बिकॉज गाइस मेन ऑप्शन ये है कि बंदों को हमें एक डिसेंट सी लॉबी देनी है, जिसमें भाई लैग भी ना हो क्लोज क्वार्टर्स में और भाई बूम बाम हो जाए। स्टोनर वापस से स्लॉट नंबर 1 में चले गए, वापस से यहाँ पे आके बैठ जाएंगे अपने दोस्तों के साथ में। तो यहाँ पे पूरी पूरी स्क्वाड हो जाती है टीम हैशटैग की। नेक्स्ट लेवल कास्टिंग मेरे भाई, थैंक यू सो मच, यू डिजर्व मोर लव। अरे भाई थैंक यू भाई सॉरी, आइए भाई। ओहो ओके, टीम नोवा यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुकी है गाइस, यहाँ पे एक और मिनट लास्ट है, देखते हैं तब तक कितने बंदे आते हैं। 75 की अप्रोक्सीमेटली लॉबी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। बास के बंदे आ चुके हैं, आज काकारूत एंड देव भी खेल रहे हैं, तो यहाँ पे देव की तरफ से हमें एक ओपी सी स्नाइपिंग देखने मिलेगी। जो देव पहले स्नाइपिंग कर रहे थे, क्या उनमें वही क्षमता है, क्या वो वही स्नाइपिंग वापस से कर पाएंगे, क्या बंदों को फेल पाएंगे वहीं पे। बॉम्बर की स्क्वाड क्या वापस से एग्रेसिव हो पाएगी, जो हमने बीच में एक बार देखा था उनका एग्रेशन भाई, तगड़ा एग्रेशन। ऑल्सो FSM के बंदे जो फ्लैंक मारते हैं, जो यहाँ पे पुश करते हैं, क्या हमें वो देखने मिलेगा गाइस। ये तो भाई हम लोगों को आज के कस्टम से बताएंगे। एनसिंग के बंदे खेल रहे हैं, तो स्टार के बंदे आज नहीं खेल रहे, इसका मतलब है एनसिंग का पूरा का पूरा प्रीमोस्क उन्हीं का होने वाला है शायद से, अगर कोई प्रीमोस्क का ड्रॉप नहीं लेगा तो। गाइस अगर कोई प्रीमोस्क का ड्रॉप नहीं लेगा तो
यस ऑफ कोर्स प्रिमोस एनसिंक का ही होने वाला है। राइडर मेरे भाई लेट टू पी, हेलो मेरे भाई राइडर क्या हाल चाल। फिलहाल के लिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं सब कुछ एकदम टकाटक है कि नहीं। असॉल्ट राइफल स्नाइपर यस ऑफ कोर्स भाई, मिली वेपन नहीं चाहिए भाई, मिली नहीं चाहिए भाई, पिस्टल भी नहीं चाहिए भाई, क्रॉसबो भी नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए फ्यूल। हाँ फ्यूल चाहिए, फ्यूल वन टाइम। ओके तो प्रॉपर सेटिंग यहाँ पे हो चुकी है। स्लॉट नंबर 15 किसका था? स्लॉट नंबर 15 में मेरे को लग रहा है कि 4 डॉट के बंदे अभी तक आए नहीं है, मे बी यहाँ पे कहीं फंस चुके हैं 4 डॉट के बंदे। स्लॉट नंबर 12 एंड 11 भी नहीं आ गए, तो इसका मतलब एनसी के बंदे, एनसी के बंदे गए कहाँ पे? और एनसी के बंदे ऑलरेडी आ गए थे ना। अरे ये क्या चल रहा है ब्रो, एनसी के दिखे थे हमें, पता नहीं। जी हाँ स्लॉट नंबर 9 में ऑलरेडी एनसिंग आ चुके हैं, तो इवोल्यूशन स्पोर्ट्स के स्लॉट में ऑलरेडी बैठ चुके हैं। ऑन टॉप इज टेकिंग चिकन, ऑन टॉप इज टॉकिंग चिकन या टेकिंग चिकन, ओके। कितने बजे स्टार्ट जेड मेरे भाई? अभी स्टार्ट होने वाला है इन 1 मिनट, विल गिव ओनली 1 मिनट मोर, उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं। सब कुछ चेक कर लिया, ओके लेट्स गो। यहाँ पे गाइस हम लोग को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 1 मिनट बाकी है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कस्टम्स। ओके गाइस तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिलहाल के लिए टीम नंबर 5 को, जो कि है नोवा की, एंड नोवा के साथ में आज खेल रहे हैं भाई। कौन से बंदे फिलहाल के लिए अभी तक लॉबी में नहीं आए हैं, तो उनको तो बाद में ही देख लेंगे नोवा के टीम में कौन से। जी हाँ यहाँ पे हमें दिख रहे हैं सिख बॉय, ऐश्वर्या एंड सुश्री बंदे, यहाँ पे फुल बूम अप करने की कोशिश करने वाले हैं। FSM के बंदे भी यही पे है, FSM के जो है बंदे वो तो नॉर्मल है, उनका नॉर्मल लाइनअप ही खेलता है। FSM का जो कि है मेन लाइनअप लीजन ओपी, यहाँ पे लीड करेंगे FSM को। ऑल्सो यहाँ पे ROX रॉक्स ईस्पोर्ट्स के बंदे भी हमें दिख रहे हैं, तो फैंग ओपी ट्रिगर गैरी एंड टॉम खेल रहे हैं। एंड मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे गैरी और एल्स फ्रैंक, फ्रैंक नहीं गाइस माय बैड, यहाँ पे फैंग शायद से इनको लीड करते हैं। TNG की स्क्वाड भी हमें दिख रही है स्लॉट नंबर 19 में बैठी हुई, तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन हो रहा है यहाँ पे स्लॉट नंबर 19। तो टीम एफ ही है ये तो, ओके हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, वी आर नाउ स्पेक्टेटिंग टीम नंबर 16। लेट्स सी यहाँ पे टीम नंबर 16 कहाँ पे ड्रॉप लेने वाले। फिलहाल अगर फ्लाइट पाथ को देखा जाए तो द फ्लाइट इज गोइंग फ्रॉम द गटका एरिया टू लिपोका। लेट्स सी वेयर एल्स आर दिस गाइस और द टीम इज गोइंग टू टेक अ गुड ड्रॉप ऑन राइट नाउ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं मेरे को लग रहा है कि एनसिंग के बंदे नॉर्मली दे गो टू प्रिमोस, बट शायद से यहाँ पे कुछ स्विच हो सकता है इनके ड्रॉप में या सेकेंडरी ड्रॉप पे वो जा सकते हैं। एनसिंग के बंदे ने अभी तक जंप तो नहीं किया है, मतलब दे माइट गो टू अ डिफरेंट ड्रॉप। बॉम्बर की स्क्वाड वहाँ पे जा रहे हैं जो कि है प्रिमोस की तरफ में, रॉक्स के बंदे भी वहीं पर जा रहे हैं। मे बी यहाँ पे एनसिंग ने अपना एक स्ट्रेटेजी प्लान जो किया था उसको स्विच कर लिया है एंड दे माइट गो समवेयर एल्स। देखते हैं यहाँ पे एनसिंग के बंदे एक्जैक्टली कहाँ पे उतरने वाले हैं या कहाँ पे उतरे हैं। अभी तो देखे थे ब्रो एनसिंग, जी हाँ एनसिंग को देख रहे हैं हम लोग, तो एनसिंग के बंदे उतरे कहाँ पे है गाइस? अरे ये तो बबुआ यही पे जा रहे हैं भाई, रॉक्स स्पोर्ट के साथ में यहाँ पे फाइट होने वाला है मेरे को लग रहा है। एनसिंग के बंदों का एनक्वायरी के ऊपर यहाँ पे उतरते हुए हमें दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए हम लोग स्पॉट कर रहे हैं फैंटम को, फैंटम के साथ में यहाँ पे रॉक्स स्पोर्ट्स के ट्रिगर ऑल्सो फैंग एंड एनसिंग के जब ऑलरेडी जंप मार लिए है, ऑलरेडी उतर चुके हैं, तो यहाँ पे फाइट हो सकते हैं भाई। गटका के मेन यहाँ पे एरिया में फाइट होने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं बंदे। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे एजर बॉय जो है ही इज इन अ प्रॉपर एडवांटेज राइट नाउ, बिकॉज ये बराबर से वेयरहाउस में उतर चुके हैं और इनके पास में भाई गन्स नहीं है भाई। ये कहा क्या क्या हो गया ब्रो, ये क्या हो गया ब्रो? अरे इंटू थ्री का लूट में गन कैसे नहीं है भाई? यहाँ पे म्यूजिक भी बंद करना पड़ेगा। रॉक्स के बंदे यहाँ पे फाइट करने वाले हैं विद एनसिंग, पहले वाला फाइट चालू होने वाला है। देखते हैं यहाँ पे एक्जैक्टली फर्स्ट फाइट किसका होने वाला है। तब तक के लिए गाइस मेरे को लग रहा है यहाँ पे, जी नहीं रॉक्स के बंदे यहाँ से निकल चुके हैं, निकल चुके हैं गाइस यहाँ पे रॉक्स के बंदे। एंड मे बी यहाँ पे भाई फाइट होने वाले जो कि है टीम नंबर 21 की। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन हो रहा है।
टीम नंबर 21 जो है वो है वैनिक्स ईस्पोर्ट्स, नाउ दे आर फाइटिंग विद टीम नंबर 4 जो कि है वॉर। वॉर के अरे भाई शेनरॉन, ओके तो वॉर का बंदा अकेला एंड टीम नंबर 1 में भी है आई गेस वॉर का बंदा। अरे ये तो अकेला, ओके ओके 4 स्लॉट नंबर 4 में आके बैठ चुके थे, ठीक है ओके नो वरीज। गाना बंद कर, अरे मेरे भाई थैंक यू सो मच इग्नाइटेड श्री फॉर इन्फॉर्मिंग ब्रो, बंद कर दिया थैंक यू सो मच। वॉर के शेनरॉन भाई ये वन फोर करने के भाई पूरे मूड में है, देखते हैं यहाँ पे बंदे क्या करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमें लग रहा है कि वॉर के शेनरॉन थोड़े से डिफिकल्टी में आ सकते हैं बिकॉज इनके पास में हेलमेट तो लेवल 1 का ही है भाई, और बंदे यहाँ पे धीरे धीरे पुशिंग करने की कोशिश करने वाले हैं। टीम वैनिक्स ई स्पोर्ट्स यहाँ पे भाई धीरे धीरे पुशिंग कर रही है, स्मोक्स के कवर डालते हुए अपने लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा साइड ब्लॉक करते हुए वॉर शेनरॉन का आगे बढ़ रहे हैं। डीजे यहाँ पे अटैक कर रहा है, शेनरॉन थोड़े से ऊपर चढ़ गए एंड भाई स्विच कर लिया है जगह, अभी कहीं और जाएंगे और बाद में हिट करने की कोशिश करेंगे। इनके पास में फिलहाल के लिए उजी भी है अलॉन्ग विद एनएके, हम नेड़ा यहाँ पे आता हुआ एंड शेनरॉन वहां से बच निकलते हैं। शेनरॉन के ऊपर अटैक किया जा रहा है भाई, दोनों साइड इनको स्विच ऑफ किया जा रहा है। एक बंदे यहाँ पर शेनरॉन ने नॉक दे दिया, बहुत ही ओपी से नॉक देते हुए शेनरॉन सेकंड को अटैक करने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं लगा पाए एंड ये एक बंदे को नॉक करके शेनरॉन जो है वो मर जाते हैं। फिलहाल के लिए वॉर की टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है, तो फर्स्ट टीम टू एलिमिनेट इज वॉर, और देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। वॉर के शेनरॉन आज यहाँ पे कैसे उतरे वो तो हमें पता नहीं है, बट मे बी यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी लगाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल स्ट्रैटेजी लगा नहीं पाए क्योंकि भाई चारों के चारों बंदे उनके ऊपर चढ़ गए एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाई कहीं पे फाइट नहीं होने वाले, तो जाते हैं कोई अच्छी वाली टीम के पास में। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को बोला जाए तो ऑन टॉप के बंदे देखते हैं, ऑन टॉप के बंदों के नजदीक में यहाँ पे प्लेयर है जो नॉर्मली अपना ड्रॉप लेते हैं वो होता है इनका हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल के ऊपर उतर के फिर बाद में अटैक करने की कोशिश करते हैं। नोवा के बंदे जो है वो नॉर्थ साउथ ऑफ जोधपुर सिटी लेते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। गाना बंद कर फुल ऑर्डर। लैग, अरे लैग हुआ क्या ब्रो, सच में लैग हुआ क्या? ओके लैग हुआ, माय बैड। एक बार आप चेक करो एग्जैक्टली, मेरे को लग रहा है कि मेरा नेटवर्क ठीक है। श्री ट्राई टू स्विच डाउन टू अ लोअर रेजोल्यूशन ब्रदर। T2 की लॉबी इज बिकमिंग लीड, अरे भाई थैंक यू सो मच यार बाबा, थैंक यू सो मच। T2 लॉबी फुल लीड बोलते, 3 AM 4 o'clock की लॉबी भी आपने एकदम ओपी हो रही है फुल, धीरे धीरे उसको ओपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है गाइस तो हमारा T3 बन चुका है, बट वी आर प्लानिंग समथिंग बिग फॉर ऑल द प्लेयर्स, ऑल द गाइस सबके लिए यहाँ पे एक इक्वल एडवांटेज देने की कोशिश करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून गाइस, मे बी दिस मंथ और द नेक्स्ट मंथ यहाँ पे अनाउंसमेंट आने वाला है जिसमें आप लोगों को मिलने वाले हैं फुल बूम बाम वाले टीम जिनके साथ में आप लोग खेलने वाले थे। तब तक के लिए अलॉन्ग विद द प्राइस पूल एंड इट विल बी विनर टेक्स इट ऑल, ऐसा नहीं है कि भाई फर्स्ट प्राइस सेकंड प्राइस थर्ड प्राइस नहीं होने वाला है गाइस, यहाँ पे विनर विल टेक इट ऑल और एल्स वी माइट डिसाइड टू स्विच द प्राइस पूल टू टू टॉप पोजीशंस, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं करने वाले हम लोग भाई, वो अच्छा नहीं है। नोवा इल्यूजन में को अगर देखा जाए तो गाइस नोवा इल्यूजन अलॉन्ग विद हिज टीम ही हैज टेकन अ ड्रॉप ऑफ साउथ जोधपुर सिटी एंड देखते हैं यहाँ पे उनकी टीम में फिलहाल सिक बॉय ऐश्वर्य एंड सुश्री है ऑन टॉप के नजदीक में यहाँ पे फाइट करने की कोशिश करने वाले हैं। देखते हैं फिलहाल के लिए बंदे और कहाँ कहाँ पे है एग्जैक्टली बंदों के रोटेशन कैसे होने वाले हैं। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाई जी सी स्क्रीम TNS के जी सी स्क्रीम जो है उन्होंने भाई स्विच कर लिए अपनी बग्गी को एंड गाड़ी में बैठ के एक मस्त वाला भाई इनका ओपी वाला बुलेट मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जावा पेराक लेके आगे बढ़ रहे और इनको भाई गाड़ी चलाने को नहीं आ रहा है भाई, इनको लाइसेंस किसने दिया पता नहीं बट चलता है भाई, ये उतने ही जल्दी से रिकवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे फुल बूम बाप करने की कोशिश करने वाले हैं स्क्रीमी, मेरा लैग नहीं है ज्यूस। ओके तो इसका मतलब है श्री आपका मे बी नेट कनेक्शन का कोई इशू रहेगा या मे बी आपका जो क्लाइंट रहेगा फॉर एग्जांपल यूट्यूब के क्लाइंट की तरफ से कोई इशू रहेगा मे बी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, उसका हम लोगों को एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अगर सेकंड टाइम थर्ड टाइम लैग हुआ और बहुत ज़्यादा बंदों का लैग हुआ तो गाइस प्लीज़ इन्फॉर्म अस ताकि हम लोगों को मालूम पड़े कि एग्जैक्टली लैग हुआ तो हुआ कैसे भाई, मतलब कैसे ब्रो यूट्यूब व्हाट द यूट्यूब क्या ब्रो व्हाट इज दिस ब्रो व्हाट इज दिस। ओके तो अगर हम लोग देखें तो भाई टारगेट स्पोर्ट यहाँ पर रोटेशन मार रही है एंड स्कूल के नजदीक से नहीं जा रही, थोड़ी सी दूर से जाती हुई हमें दिख रही है। वॉर सा प्लेयर लैग होता रे, अच्छा वॉर सा प्लेयर तो उसका इसका रहेगा रे इशू अपना, उसका नेट का इशू रहेगा मे बी या हमने टाइम पे स्विच किया था तभी थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम रहता है तो मे बी उसका सीन हुआ रहेगा। टारगेट स्पोर्ट्स के राइसन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे राइसन यहाँ पे आराम से रोटेशन मारने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल की तरफ से चले गए अपार्टमेंट की तरफ से जाते हुए यहाँ पे धीरे धीरे बूम करने की कोशिश करने वाले हैं राइसन अलॉन्ग विद हिज पार्टनर खलनायक। देखते हैं यहाँ पे खलनायक क्या कर रहे हैं, खलनायक भी भाई फुल बूम बाप गाड़ी चलाते हुए निकल रहे हैं।
और मे भी यहाँ पे टीई के बंदे अपने दोस्तों के नजदीक में जाते हुए हमें दिख रहे हैं। तब तक फिलहाल के लिए यहाँ पे बंदे जो है वो अटैक नहीं करने वाले हैं, वो लोग आराम से मस्त करके मजे लेने वाले हैं, एकदम मजानू लाइफ, फुल बूम बाम वाली लाइफ। और आए बे भी यहाँ पे भाई बूम बाम करने की कोशिश करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे इनके नजदीक में बंदे, एन सिंह के बंदे इनके नजदीक में, एंड टीम बॉम्बर के पास में भाई बंदे, ये बंदे बॉम्बर ने थोड़ा सा फॉल बैक करने का कोशिश कर लिया है। वहीं पे अगर देखा जाए तो भाई सेवन हैश के जो बंदे है रिट, ओ भाई नेड बहुत ही ओपी सा था भाई, ये कैसे नेड गिरा ब्रो, इसके मुंह के पास में नेड कैसे आया, ओ भाई तगड़ा नेट आया था कहीं भी। यहाँ पे बहुत ही ओपी से लोग यहाँ पे निकालते हुए टीम बॉम्बर के बंदे एंड बूम बाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन हो रहा है। आई बेबी को देखा जाता है यहाँ पे फैंटम को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड फैंटम भी रिटर्न फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, फैंटम को नॉक यहाँ पे दिला दिया आई बेबी ने। आई बेबी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ऑन टीम एन सिंह एंड एन सिंह के बंदे यहाँ पे एक पीछे एक पीछे भी सैंडविच हो चुके हैं। वही भी अगर आर ओ एक्स के बंदे देखे जाए तो रॉक्स के बंदे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। घोष ओपी ने एक अच्छा खासा नॉक दिला दिया, बहुत ही ओपी नॉक देते हुए यहाँ पे घोष आई बेबी को खत्म करेंगे। मे बी आई बेबी को खत्म पूरा कर दिया है घोष ने। बंदे यहाँ पे आ रहे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, घोष ऊपर चढ़ चुके हैं, ऊपर चढ़ के यहाँ पे अटैक, एक और बंदे को अटैक दे दिया घोष ओपी ने, बहुत ही ओपी था यहाँ पे घोष ओपी देते हुए एंड एफपी में स्विच करके यहाँ पे नेट मारने की कोशिश करने वाले हैं बंदे घोष के ऊपर, बट घोष नीचे उतर जाते हैं, घोष वेट कर रहे हैं बंदे का, नेट का आवाज यहाँ पे आ चुका है एंड मे बी घोष यहाँ पे किसी को नॉक देंगे शायद से जरूर। एक और बंदे को नॉक दे दिया, एक अकेला बंदा यहाँ पे, टीम बॉम्बर यहाँ पे तकलीफ में आ सकती है। 1v1 का फाइट अभी ये हो चुका है, विभांशु यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश नहीं करने वाला है, विभांशु यहाँ पे रहने की कोशिश कर रहा है, विभांशु वर्सेस घोष होने वाला है एंड द फाइट इज ऑन राइट नाउ। घोष ने अकेले 1v3 कर दिया गाइस, 1v3 यहाँ पे करते हुए, एक्चुअली 1v4 कर दिया अकेले बंदे ने, 1v4 करते हुए यहाँ पे घोष ओपी हमें दिख रहे, फुल बूम बाम कर दिया गाइस, क्या ही ओपी यहाँ पे पेलम पाली करके घोष ओपी ने टीम बॉम्बर को खत्म ही कर दिया गाइस। और तो जाते हैं कहीं और देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली कोई और बंदा है क्या जो फुल बूम्बा 1v4 करने के लिए है यहाँ पे अभी है। भाई स्क्रीमी ने यहाँ पे किसी को नॉक दिया है, हमें लग रहा स्क्रीमी किसी को पहले कोशिश कर रहे हैं एंड ये है हेल के फ्लेक्स गॉड, फिलहाल के लिए यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे पोजिशन पकड़ लिया है एक चर्च के ऊपर से एंड डीजे यहाँ पे नॉक हुए पड़े, डीजे को यहाँ पे रैप लेना पड़ेगा या शायद से इनका दोस्त जो है फ्लेक्स गॉड यहाँ पे रश मार के आ सकता है। गाड़ी से यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड भाई यहाँ पे डीजे को फंसा दिया गया, डीजे का अभी कोई चांस नहीं बनता है बचने का, तो शायद से यहाँ पे तकलीफ में आ सकते हैं बाकी इनके दोस्त लोग, तो मे बी इनके दोस्त लोग अगर फॉल बैक करेंगे तो इन लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ओपी सा नॉक यहाँ पे देते हैं फ्रोजा, फ्रोजा ने नॉक दे दिया है एंड बिफोर एम के फ्रोजा यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करने वाले हैं। धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जिगल देते हुए अलॉन्ग विद एन M24 इन इज हैंड एंड यहाँ पे हिट करने की कोशिश करने वाले, इनके सामने नरूटो है, क्या नरूटो को यहाँ पे हिट कर पाएंगे, नेड यहाँ पे डाल दिया फ्लेक्स गॉड के, बहुत ही लो नरूटो ने यहाँ पे मॉली भी डाल दिया है भाई, फ्लेक्स गॉड को नॉक दे दिया भाई, अकेला बंदा यहाँ पे बाकी है। फ्रोजा के ऊपर अगर हिट्स आएंगे तो फ्रोजा मर सकता है, स्मोक के कवर में यहाँ पे अपने साथी को बचाना पड़ेगा एंड फ्लेक्स गॉड यहाँ पे मरते हुए वहीं पे स्मोक के कवर नहीं बचा पाए, इतना जल्दी स्मोक्स नहीं डाल पाए, पर यहाँ पे टीम वैनिक्स खत्म होती हुई एंड बहुत ही ओपी से यहाँ पे भाई फ्लैंग्स अलॉन्ग विद यहाँ पे बहुत ही ओपी से एंगल बनाते हुए टीम TNS हमें दिख रही है। टीम नंबर 16 के यहाँ पे दो साथी मर जरूर चुके हैं पर बाकी के बंदे अभी तक जिंदा है एंड बंदे ने रोटेशन चालू कर दिए है, ये आ गए भाई द स्पोर्ट्स के बंदे, द स्पोर्ट्स के बंदों के ऊपर भी अटैक चालू हो चुका है, देखते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। फिलहाल द स्पोर्ट्स के बंदे होल्ड किए जा रहे हैं, रॉक्स के बंदे आते हैं इनके नजदीक से जा रहे हैं पर अटैक नहीं करेंगे, आरुष यहाँ पे आराम से होल्ड किए जा रहे हैं, सागरन स्पोर्ट यहाँ पे अटैक करें उसी तरह मेराट्रॉन को एंड खलनायक को देखे तो खलनायक यहाँ पे फिलहाल के लिए स्पॉट कर रहे हैं एंड राइजन भी हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसिंग के घोस्ट ओपी अकेले बाकी है, घोस्ट ओपी के ऊपर यहाँ पे फायर डाल तो दी थी पर यहाँ पे बच गए बंदे, बच गए घोष गाइस, घोष की तरह यहाँ से निकल रहे गाइस, एक के पीछे एक बंदों को मारने की कोशिश करने वाले, मेरे को लग रहा है यहाँ पे घोष्ट पूरी बूम बाम करने की कोशिश में है जरूर। और सर के ऊपर देखा जाए तो भाई टीम टागर स्पोर्ट भी यहाँ पे बहुत ही ओपी से खेलती हुई, घोष्ट ओपी को यहाँ से अगर जाना पड़ेगा तो इनको भाई राइजन से निपटना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए राइजन जो है वो मे बी यहाँ पे इनके ऊपर एक अपर एडवांटेज लेके हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर भी फायर आ रहे हैं राइजन के ऊपर, बट राइजन इज लाइक ओके ठीक है भाई, ठीक है मैंने स्पॉट कर लिया, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लेट जाते हैं एंड बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल यगमास्टर के ऊपर भी फायर आ रहा है, यगमास्टर को यहाँ पे नॉक दिला दिया है गैसली अलॉन्ग विद शॉन, दे आर गोइंग टू सेव यगमास्टर एंड यगमास्टर को भाई खत्म ही कर दिया है यहाँ पे, यगमास्टर को फिनिश ऑफ करते हुए रोजा फिर से ये जो फायर आ रही है ये बहुत ही हानिकारक हो सकती है टीम जीना के लिए, देखते हैं यहाँ पे टीम जीना क्या करने वाले हैं। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे गैसली एंड शॉन निकलते हुए ये खतरे से अलॉन्ग विद कार्नेज, कार्नेज भी यहाँ से निकल चुके हैं
ये का मास्टर मर जाते हैं, तीन बंदे अभी तक जिंदा आए हैं, तीन बंदे जीएनआर के यहाँ से निकल चुके, ये पोजीशन से, ये सिचुएशन से निकल चुके। वहीं पे टीम जीएनआर को अगर देखा जाए तो दूसरी वाली लाइनअप जो है वो भाई राइट साइड से यहाँ पे आगे बढ़ती हुई है और इनके पर भी फायर आ चुके हैं। और भाई जो घर ले लिया है उसके अंदर से कर्मा यहाँ पे नॉक होते हुए, जीएनआर में से जीएनआर एक और लाइनअप यहाँ पे हिट करी, कुछ डोप के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, डोप भी वेट कर लिया है, डोप ने देखते यहाँ पे क्या होने वाला है, रियान ने एक अच्छा खासा नेट डाल दिया यहाँ पे शिव के ऊपर, रियान को यहाँ पे नॉक देते हुए बहुत ही ओपी सा यहाँ पे नॉक दे दिया है। टीम जीएनआर जो है वो अटैक करने के ऊपर आ चुके हैं, फुल्ली एग्रेसिवली यहाँ पे हिट करने की कोशिश, शकुनी की एज बहुत ही लो, शकुनी यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले, शकुनी एंड स्टीव में भी यहाँ पे रियान ओपन में आ चुके, क्योंकि रियान को पता है कि शायद से इनको फिश मिल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। एक बंदा इनका नॉक हुआ पड़ा है, एक बंदा मर चुका है, टीम जीएनआर को देखा जाए तो यहाँ पे रियान को खत्म ही कर दिया है शकुनी ने, ऊपर से यहाँ पे इनके ऊपर हिट आ रहे हैं, डोप अकेले बाकी है, गाड़ी लेके अगर चले गए तो डोप को कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पे कवर, बट फिलहाल ये डोप इज वेटिंग। कर्मा मेरे को लग रहा है कि घूम के आने वाले हैं या शायद से रोटेशन लेके वापस आने वाले। भाई कर्मा एग्जैक्टली है कहाँ पे अगर देखा जाए तो, गाइस कर्मा कहाँ पे, कर्मा हमें कहाँ पे, भाई कर्मा है कहाँ पे बंदा, व्हाट द भाई कर्मा कहाँ पे, ओके ऑन टॉप की स्क्वाड के नजदीक में कर्मा पहुंच चुके हैं एंड ये भाई यहाँ पे हिट कर, मेरे को कर्मा दिख ही नहीं रहा है ब्रो, व्हाट द ओके हॉस्पिटल के नजदीक में। गाइस ये है ग्लिच, इसको बोलते हैं ओपी ग्लिच, हम लोगों को तो कर्मा दिख ही नहीं रहे गाइस, ऑन टॉप के बंदों के सामने ही है बट कर्मा नहीं दिख रहे। ये यहाँ पे कहीं पे है कर्मा, यहाँ पे कहीं पे ये एरिया में, बट हमें कर्मा नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर डोप को देखा जाए तो डोप यहाँ पे इनके बहुत ही लो हो चुके हैं, डोप को यहाँ पे जाना पड़ेगा। भाई बंदे पीछे से मारते हुए, शकुनी भी नॉक हुए पड़े हैं, बंदे आगे आ चुके हैं, बाद के बंदे यहाँ पे हिट देने की कोशिश कर रहे हैं, देव ने यहाँ पे ओपी से नॉक निकाल लिए एंड भाई गाड़ी को तोड़ते हुए फोड़ते हुए यहाँ पे बास के बंदे फुल पेलम पाली करने की कोशिश कर रहे हैं। डेव के ऊपर यहाँ पे अटैक आ चुका है जीएनआर की, आज का एंड आज को यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश की जा रही है, आज के ऊपर ये एम ले लिया एंड पट वाला हेडशॉट देने की कोशिश कर दी है, पर नहीं बॉडी लग चुका है यहाँ पे आज को, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला। डोप नॉक पड़े हैं, शकुनी नॉक पड़े हैं, मे भी यहाँ पे आर्थ एंड स्टीव दोनों ही बाकी रहेंगे। नॉइजी ने वहां पे बंदों को मारना चालू कर दिया, तो देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन हुआ है। नॉइजी ने भी बंदे को जो नॉक किया था उसको पिक ऑफ कर लिया गया है, बास के बंदे नाउ दे आर फाइटिंग विद टीम जी एन आर। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। फिलहाल के लिए बंदे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, एलडब्ल्यू के स्टीव जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं शकुनी को बचाने के लिए एंड इनकी गाड़ी को पूरा फोड़ दिया गया है, गाड़ी से नहीं जाने वाले हैं आगे। स्टीव अभी यहाँ पे फंस जाते हैं एंड फंस सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होगा। शकुनी के लिए यहाँ पे एक स्मोक का कवर डालते हुए स्टीव एंड इनकी गाड़ी में भी फोड़ सकते हैं बंदे, एक के पीछे एक यहाँ पे गाड़ी फोड़ सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। स्टीव की गाड़ी यहाँ पे फोड़ने के ऊपर लगा दी है एंड स्टीव ने गाड़ी फोड़ के एक अच्छा खासा कवर, पर नहीं कवर लगाने की कोशिश कर रहे थे तभी तक वहां पे एक नॉक आ गया है, नॉइजी और वन एक्स जोकर जो है इन्होंने भी भाई अच्छा खासा यहाँ पे भाई फ्लैंक मार लिया है। तो आज के ऊपर अभी पूरा सब कुछ बैठ जाता है, देखते हैं यहाँ पे आज क्या करने वाले हैं। आज को यहाँ पे बंदों को स्पॉट करना ही होगा, आज फिलहाल के लिए बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करने वाले नहीं है, आज को यहाँ से निकलना पड़ेगा। देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है, गाड़ी लेके यहाँ पे आज निकलते हुए हमें दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए अपने साथियों को वैसे ही छोड़ के नॉक पड़े हैं वापस स्टीव, बट क्या इस स्टीव के पास में जाएंगे आज तो सीधा भाई थंडर के अंदर सीधा अटैक करने की कोशिश करने वाले थे, पर आज यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, फिनिश ऑफ होते हुए हमें दिख रहे हैं आज। एंड टीम नंबर 16 टीम टीएनएस यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रही है ऑन टीम नंबर 13, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है, जो कि है भाई टीआरसी की टीम, टीआरसी के बंदे ने यहाँ पे एक बंदे को रेफ दे दिया, देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होगा। फिलहाल के लिए एक बंदा आराम से रेव हो रहा है, रेव होके भाई आराम से भाई फुल बूम बाम होने वाला है, देखते हैं क्या सीन होने वाला है। ट्रायलून जो है वो रेव हो चुके हैं, नेट यहाँ पे जाते हुए भाई जो ओपी सा नेट गिर गया, ओ भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉक निकाल ही दिया था बट बच जाता है बंदा, बच जाता है एंड नेट्स के ऊपर नेट यहाँ पे आते हुए भाई बाउंस हो रहे हैं नेट्स एंड बंदों को भाई कवर से बाहर निकालने की कोशिश पूरी की जा रही है। ऑन टॉप के बंदे भी भाई ऊपर से आ गए, भाई बायोनिक प्रफुल और इन दोनों दोनों ने भाई यहाँ पे भाई बंदों को पेल दिया, ट्रायलून को एंड ओजास 29 को भी यहाँ पे पेल दिया गया है। तो पीछे से यहाँ पे सैंडविच होते हुए टीम नंबर 13 हमें दिख रही है, एक और बंदे को यहाँ पे पेल दिया, एसिड अकेले बाकी है, देखते हैं यहाँ पे एसिड क्या करने वाला है। फिलहाल के लिए प्रफुल जो है वो भाई गन को अंदर रख के फुल एकदम फोर्स में भागे जा रहे हैं, नेट्स के कवर यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। एसिड ने अपने स्पोक में भाई अपने जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं एसिड, देखते हैं यहाँ पे क्या एसिड बच पाएंगे या नहीं।
क्रीमी को ऑलमोस्ट स्पॉट कर लिया, क्रीमी को स्पॉट करते हुए यहाँ पे नॉक निकाल लिया है प्रफुल्ल ने, बहुत ही ओपी सा नॉक यहाँ पे निकाल दिया। एसिड इज फाइटिंग विद टू प्लेयर यहाँ पे राइट नाउ, एसिड बच जाते हैं यहाँ भाई, एसिड ओपी से कवर लेके भाई पीछे चले गए, और ये अकेला बंदा नारुतो अकेला बंदा बाकी है सर के ऊपर, यहाँ पे प्रफुल को नॉक दिला दिया है नारुतो ने, नारुतो वापस से नीचे बैठ गया रिलोड करते हुए, निशान भी वहीं पे है एंड ये भाई ऊपर से जंप कर लिया नारुतो ने, ऊपर है निशान, ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं पर ऊपर से हिट नहीं कर पाएंगे नारुतो का, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमें मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है, निशान ऊपर से अगर नीचे जंप कर रहे थे तो कुछ ना कुछ सीन होता है, यहाँ पे नारुतो आगे बढ़ रहे हैं एंड ये एक और नॉक दिलाते हुए नारुतो, एसिड ने पीछे से फ्लैंक मार लिया है एंड ये भाई यहाँ पे बंदे को हेड करते हुए एक और बंदे को नॉक दिला दिया है भाई, ये क्या चल रहा है गाइस यहाँ पे नारुतो के ऊपर, एकेएम के फायर है नारुतो मरते हुए, यहाँ पे नारुतो ने तीन नॉक निकाल लिए पर तीनों के तीनों नॉक को मेरे को लग रहा है कि छीना जाएगा टोक्यो, यहाँ पे टोक्यो वर्सेस अभी 1v1 का फाइट होने वाला है एंड ये है एसिड का, एसिड के 16 का यहाँ पे बुलेट बाकी है, देखते हैं फिर टोक्यो रैप देने की कोशिश करने वाले हैं एंड ये आगे बढ़ते हुए मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एसिड दिख रहे हैं, एसिड नीचे देख रहे हैं मे भी, यहाँ पे एसिड के सामने बंदे हैं भाई, क्या होने वाला है इनके साथ में, M4 में स्विच कर लिया है यहाँ पे, दो बंदे रैप हो चुके हैं अभी मेरे को लग रहा है कि एक और बंदा यहाँ पे रैप करने जाने वाला है, निशांत अगेन यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं एंड यहाँ पे निशांत ने नॉक दे दिया है पर ऊपर से एक बंदे ने यहाँ पे बेल दिया टोक्यो ने, यहाँ पे एसिड को खत्म कर दिया, ऑन टॉप के दो बंदे जिंदा है, एक बंदा अपना खोते हुए ऑन टॉप की टीम पर यहाँ पे हिल के ऊपर जो फाइट को जीत लिया ऑन टॉप ने, क्या ही बोलेगा बहुत ही ओपी से यहाँ पे थर्ड पार्टी किया एंड बूम बाम कर दिया ऑन टॉप के बंदे, यहाँ पे इन्होंने फाइट जीत लिया, देखते हैं यहाँ पे बंदे यहाँ पे धीरे धीरे रोटेशन मारे, एफएसएन के बंदे अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेस्ट साइड से राउंड सर्कल यहाँ पे रोटेशन मारते हुए, वहीं पे हैशटैग के बंदे भी वहाँ पे रोटेशन मार रहे हैं एंड ये हिल्स के ऊपर जाते हुए ऑन टॉप के बंदे इनके नजदीक में, देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है, नाउ दे आर बी फाइटिंग विद टीम ऑन टॉप, हैशटैग विल बी टेकिंग अ वेरी गुड फाइट विद ऑन टॉप, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, फिलहाल प्रफुल के ऊपर हिट करने की कोशिश कर रहे थे मॉडेस एंड लीडर धीरे धीरे आगे बढ़ चुके, एक एक करके यहाँ पे कवर्स देने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से भाई टारगेट स्पोर्ट्स भी आ चुकी है, नेट यहाँ पे जाता हुआ लीडर का, यहाँ पे नेट जाता हुआ देखते हैं, यहाँ पे नेट एक्सचेंज किए जा रहे हैं, ओपी सा नेट यहाँ पे जा चला गया है और देखते हैं क्या नॉक निकाल पाएगा या नहीं, ओ भाई पीछे से द स्पोर्ट्स के बंदे आ रहे थे पर द स्पोर्ट्स को यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए भाई बच गए, हैशटैग के बंदों ने अपना सैंडविच का सिचुएशन यहाँ से बचा लिया, टोक्यो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, टोक्यो को पता है कि भाई लीडर अकेला बंदा है यहाँ पे तो मे भी यहाँ पे लीडर के ऊपर अटैक कर सकते हैं क्योंकि भाई टीम हैशटैग जो है वो नीचे थोड़ी सी यहाँ पे तकलीफ में है, निशानदन टोक्यो बाकी है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे भाई इनके नेट जा रहे हैं और ये नेट के अंदर जाने की कोशिश हुई जा सकती है पर नहीं, निशांत यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, निशांत मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे तकलीफ में आ सकते हैं, ऑन टॉप की टोक्यो थोड़े से फॉल बैक हो चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे हैशटैग के बंदे धीरे धीरे पुश ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, घैसले ने वहाँ पे एक बंदे को नॉक दे दिया है, वहीं पे कार्नेज नॉक हुए पड़े थे, कार्नेज को यहाँ पे रैप दे दिया गया है, कार्नेज यहाँ पे रैप होते हुए, एफएसएन के बंदे भाई रिजेस के ऊपर यहाँ पे हिल्स के ऊपर आते हुए वहीं पे गाइस ये जो फाइट चल रही है वो फाइट फुल ओपीसी होने वाली है, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाले, गैसली ने एक और बंदे को नॉक दे दिया भाई, गैसली यहाँ पे नॉक टीम एमटीएफ के साथ में फाइट हो रही है टीम जीएनआर की, देखते हैं यहाँ पे एक्जैक्टली क्या है, कार्नेज यहीं पे है एंड कार्नेज यहाँ पे भाई मारने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पे खत्म कर दिया है यहाँ पे टीम एमटीएफ को, ऑन टॉप के बंदे भी यहाँ पे फाइट कर रहे हैं विद टीम हैशटैग एंड देखते हैं यहाँ पे बदमाश ने एक और बंदे को खत्म कर दिया, ऑन टॉप के निशान को यहाँ पे खत्म कर दिया हैशटैग के बदमाश ने यहाँ पे एक बंदे को खत्म करते हुए, देखते हैं यहाँ पे एक्जैक्टली सीन क्या होने वाला है, वहीं पे भाई एफएसएम के बंदों ने नोवा के बंदों को पकड़ लिया है एक जगह पे, यहाँ पे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लीडर यहाँ पे नॉक हुए पड़े हैं, लीडर को यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि बंदों को अगर जोन में आना है एंड डैमेज भी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं, डैमेज से भी यहाँ पे हिट्स होने वाले, वहीं पे भाई सिर्फ तीन टीम्स यहाँ पे जोन के अंदर हमें दिख रही है फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे टारगेटेड स्पोर्ट्स बहुत ही ओपी से यहाँ पे पीछे से कवर करने वाली है, अपने किल्स को यहाँ पे लेने वाली है, देखते हैं यहाँ पे टारगेटेड स्पोर्ट्स यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है एंड प्रफुल को पता है कि बंदे यहाँ पे नजदीक भी, प्रफुल ने आवाज़ सुन ली है बंदों की, टोक्यो यहाँ पे बंदों को पकड़ रहे हैं एंड टोक्यो के ऊपर ये ओपी सा नेट आता हुआ, टोक्यो यहाँ पे नॉक ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे, एक और नेट टोक्यो यहाँ पे नॉक होते हैं भाई, टीम ऑन हैशटैग की तरफ से लीडर ने यहाँ पे एक बंदे का नेट मार दिया था, वो बंदा मर चुका है ऑलरेडी एंड भाई टोक्यो अकेले मॉडल से टोक्यो होने वाला है एंड टोक्यो ने यहाँ पे एक हिट ले लिया, सोनर वहीं पे है, नेट यहाँ पे मॉल आता हुआ बहुत ही ओपी सा टोक्यो के ऊपर मॉल आ चुका, सोनर ने यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया, पीछे से यहाँ पे बंदे आ चुके, टारगेट स्पॉट यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टोनर यहाँ पे अकेले बाकी है, देखते हैं स्टोनर का क्या सीन होने वाला है, फिलहाल के मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे स्टोनर रैप देने वाले हैं मॉडेस को, खलनायक यहाँ पे आगे बढ़ते हुए एंड खलनायक को पता चल चुका है कि यहाँ पे स्टोनर बाकी है जिंदा, स्टोनर को खत्म करते हुए टीम हैशटैग को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया है टीम टारगेटेड स्पोर्ट्स ने, और पीछे से यहाँ पे रॉक्स के बंदे भी आ गए, तो यहाँ पे भाई हिल के ऊपर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी फिफ्थ पार्टी भी हुए जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे मेलाट्रॉन क्या करने वाले, मेलाट्रॉन को पता है कि भाई रॉक्स के बंदे यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, फैंग को मे भी यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है फैंग का
एन सिंह के घोष वो भी बहुत ही अच्छे से दिमाग चलाते हुए अपनी टीम को यहाँ पे धीरे धीरे प्लेसमेंट पॉइंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर टाइगर स्पोर्ट्स ऑन टीम रॉक्स। देखते हैं यहाँ पे टीम रॉक्स कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले। फिलहाल के लिए यहाँ पे पैन की हेल्प बहुत ही लो चुकी है। पैन ने जब मार के अपने आप को बचा तो लिया है, पर पैन को यहाँ पे रेव मार लेना ही पड़ेगा। वहीं पे नोवा के बंदे जो है वो हमें फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर राइट साइड में टीम बास जो है वो धीरे धीरे अटैक करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं यहाँ पे एनसिंग के घोष की हेल्थ बहुत ही लो। घोष यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। घोष को भी ऊपर आना पड़ेगा। एंड टीम जीनर भी यही पे है। कार्नर यहाँ पे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये घोष को भाई गाड़ी से फोड़ दिया गया है बाय टीम जीएनआर। कार्नर यहाँ पे हेल्थ लगाते हुए हमें दिख रहे हैं। वहीं पे एजिस में यहाँ पे भाई अटैक चल रहे हैं। नॉइजी को देख रहे थे, नॉइजी यहाँ पे बंदों को पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन टीम 19 यहाँ पे अटैक चल रहा है। टीम नंबर 19 के फ्लैश ओपी जो है वो यहाँ पे सेव हो चुके हैं, बट इनका एक बंदा जो है वो नॉक पड़ा है। एफएसएम के क्रॉक यहाँ पे नॉक पड़े हैं। देखते हैं यहाँ पे एफएसएम के लक्ष्य क्या करने वाले हैं। लक्ष्य भी यहीं पे है, नजदीक में है। तीन बंदे यहाँ पे इनके जिंदा है। फिलहाल के लिए यहाँ पे अटैक करने की कोशिश पूरी की जा रही है। देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। गाइस मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बूम बाम होने वाला है। फिलहाल के लिए यहाँ पे रॉक्स के बंदे फुल बूम बाम करने की कोशिश कर रहे हैं, फुल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे सीन क्या होने वाला। टारगेट स्पोर्ट्स के बंदे जो है वो अटैक कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या इनके साथ में भी होने वाला है। रॉक्स स्पोर्ट्स के बंदे यहाँ पे अपर हाई ग्राउंड में है। देखते हैं यहाँ पे फ्लैश को यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लैश ने बहुत देरी कर दी, गैरी ने बहुत ज्यादा देरी यहाँ पे गैरी करते हुए। एंड गैरी को यहाँ पे पिक ऑफ कर लिया गया है। और गैरी को मेरे को लग रहा है कि गाइस यहाँ पे एक फिनिश ऑफ भी करेंगे साइड से। मेरे को लग रहा है टारगेट स्पोर्ट्स के बंदे वहीं पे भाई फैंग ओपी ने यहाँ पे ओपी से नॉक यहाँ पे दे दिया लक्ष्य का। एंड बंदे यहाँ पे धीरे धीरे हिल्स के ऊपर आ चुके हैं। भाई सर्कल क्या ही ओपी बनाए गए, बहुत ही ओपी सर्कल बन चुका है यहाँ पे। हिल्स के ऊपर सर्कल बन चुका है। एंड बहुत ही ओपी से नॉक यहाँ पे बास देव का निकालते हुए टीम टारगेट स्पोर्ट्स। वहीं पे अगर देखा जाए तो गाइस यहाँ पे बंदे धीरे धीरे रशिंग करते हुए सर्कल्स के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। बंदों को यहाँ पे जोन के अंदर जाना है। फिलहाल टारगेट स्पोर्ट्स जोन के अंदर है, ऑल्सो टीम बास भी जोन के अंदर है। सर्कल के नीचे यहाँ पे कवर लेने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी यहाँ पे सर्कल नीचे जाने वाला है। एंड जी हाँ, जैसे कि हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे सर्कल नीचे जा चुका है। देखा जाता है यहाँ पे टीम बास जोन में ऑलरेडी है, पर इनके ऊपर अटैक चल रहे हैं। वहीं पे टीम टारगेट स्पोर्ट भी जोन के अंदर ऑलरेडी घुस चुकी है। आर ओ रॉक्स स्पोर्ट्स के फैन फैंग अलॉन्ग विद ट्रिगर एंड टॉम जो है वो ऑलरेडी जोन के अंदर है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे टीम बास बहुत ही ओपी सा कवर बनाते हुए अपने लिए। एंड मे बी इनके सर के ऊपर जो बंदे हैं इनके इनसे इनको डिसएडवांटेज है। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे टीम टारगेट स्पोर्ट्स भी है, जो कि मजे लेने वाली है टीम बास की। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। क्या टीम बास यहाँ पे बूम बाप करने वाले, रॉक्स के ऊपर अटैक आते हुए यहाँ पे। एंड और ऊपर से भाई टारगेट स्पोर्ट्स के बंदे धीरे धीरे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। फैंग को यहाँ पे फंसा दिया गया है एक सैंडविच सिचुएशन में। यहाँ पे 249 से खत्म कर दिया है भाई रॉक्स के बंदों को। और ये बास के देव को पिक ऑफ कर लिया गया है। बास के देव यहाँ पे पिक ऑफ होते हुए भाई जोकर नीचे जाएंगे अपने साथी को बचाने के लिए। एंड एवरी एवरी पॉइंट मैटर्स, एवरी किल मैटर्स ऑल्सो गाइज, यहाँ पे हर एक बंदा मैटर करता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। रेव यहाँ पे लेते हुए अपने दोस्त से जोकर के पास से बास के दीवार में दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए फैंग आराम से वेट कर रहे हैं यहाँ पे स्मोक के कवर में बचते हुए। खलनायक आ चुके हैं, इनको मालूम पड़ चुका है बास के देव धीरे धीरे मेरे को लग रहा है गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। यहाँ पे स्मोक्स के कवर, नेड्स के कवर भी आ रहे हैं। मे बी यहाँ पे भाई बहुत ही ओपी सा दिमाग लगाते हुए टीम टारगेट स्पोर्ट्स फैंग आराम से वेट कर रहे हैं। देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे अटैक्स पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। अगर भाई मेरे को लग रहा है गाइस यहाँ पे एक ओपी पोजीशन में टीम टारगेट स्पोर्ट्स है। टीम बात को यहाँ पे धीरे धीरे अटैक करना पड़ेगा। एंड खलनायक भी यही पे, खलनायक मेरे को लग रहा है कि स्पॉट करके नॉक करेंगे, जैसे कि हम लोग सोचते हैं यहाँ पे नॉक करते हुए खलनायक जोकर को। खलनायक को यहाँ पे नीचे से जाना पड़ेगा। मे बी ऊपर से बंदे यहाँ पे इनको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। बास के देव जो है वो भी यहाँ पे इनको अटैक करने की कोशिश करने वाले हैं। फैंग आराम से बैठे हुए हैं नॉइजी के ऊपर अटैक, और बहुत ही ओपी से नॉक यहाँ पे निकालते हुए काकारूत। क्या ही नॉक, क्या ही रिफ्लेक्स यहाँ पे दिखाते हुए भाई गाइस। अब भाई फैंग आराम से बैठा हुआ है। फैंग को पता है कि बंदे यही पे क्या करने वाला है। फैंग फैंग हीट नहीं करेगा क्या। नेड यहाँ पे निकालते हुए, नेड मारने की पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पे टीम टारगेट स्पॉट के ऊपर। और ये भाई फैंग अपने ही नेड से मर गया क्या। वो नॉइजी के नेड से यहाँ पे फैंग मर चुके हैं। स्मोक के कवर के अंदर यहाँ पे मार दिया गया टारगेट स्पोर्ट्स के ऊपर। यहाँ पे हिट चल रहा है, खलनायक की हेल्थ बहुत ही लो हो चुके। फैंग ने देरी कर दी यहाँ पे हिट करने के लिए बंदों को।
शायद से यहाँ पे फैन को नेट डालना ही चाहिए था, एक लोटस अगर नेट डालते तो बंदे में भी कवर के बाहर आते, पर फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाते हैं, देखते हैं बंदों का एग्जैक्टली पोजीशन कैसे है एंड कैसे होने वाला है। खलनायक को देखा जाए तो यहाँ पे खलनायक फुल बुमबाम करने की कोशिश में है, तो जरूर खलनायक ने जोन पकड़ लिया है। यहाँ पे बास के बंदे भी धीरे धीरे आ रहे हैं, मैराथन यहाँ पे खत्म होते हुए, राइजन भी यही पे बास के लिए खत्म हो गए। काकारुस को यहाँ पे नॉक दे दिया, एक बंदे को नॉक दे दिया, टावर रिस्पोर्ट मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे लेके जाती है ये वाला चिकन, जिन्हें बहुत ही ओपी से नॉक निकालते हुए खलनायक। ऑल्सो राइजन, मेरे को लग रहा है कि राइजन का यहाँ पे हिट जरूर लगा, बट लास्ट में खलनायक ने ही ये किल्स निकाल लिए थे। बहुत ही ओपी से अच्छे वाले चिकन डिनर यहाँ पे लेके जाते हैं भाई, एकदम हकदार है गाइस। सागर स्पोर्ट्स बहुत ही ओपी खेलती हुई यहाँ पे लेके चली गई है ये वाला चिकन डिनर गाइस। और आपके पास में अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप लोग हमारे जो कमेंट बॉक्स है या चैट बॉक्स है उसमें बता सकते हैं। नेस्टर गोंसाल्विस, हेलो ब्रदर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच मॉड मेरे भाई जॉय। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होना है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब तो गाइस बनता ही है। ऑल्सो भाई नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आप लोगों को फटाफट नोटिफिकेशन आए। एंड अगर आप लोगों को ये हमारा जो कॉमेंट्री है एंटरटेनिंग लग रहा है तो जरूर इसे शेयर करिए, लाइक करिए। एंड आप लोगों को तो पता ही है उसके आगे क्या करना है। अगर आप लोग आपकी टीम को खिलाना है तो यस वी रिक्वायर सेमीफाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट ऑफिशियल अचीवमेंट, जिसमें आप लोग बूम बाम कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अगर आपके पास में कोई भी यहाँ पे कमेंट्स रहेंगे या कुछ भी रहेंगे, आंसर आंसर नेचुरल क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं हमें। तब तक के लिए हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं। विल बी राइट बैक एट 11 o'clock एंड 11:10 को होगा मैच स्टार्ट। मे भी वो टाइम पर तक जा सकता है, 11:05 तक हम लोग नॉर्मली स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे, बट थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है बिकॉज ऑफ द आईडी पासवर्ड एंड द रूम मैनेजमेंट। तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में, आप लोग मस्त करके ये वाला गाना एंजॉय करिए। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक एट 11 o'clock डॉट।
हेलो गाइस, तो आई एम बैक अगेन कास्टिंग करने के लिए हम लोग आ चुके हैं गाइस। और यहाँ पे हमें दिख रहे कि बंदे धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये नेक्स्ट वाला मैप होने वाला है मीरामार विद इनटू थ्री लूट, जो कि हमारी ऑलवेज होती है एवरी टाइम, हर वक्त फुल बूम बाम वाली एडवांस लूट हमारी होती है गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। एंड फुल तोड़ फोड़ वाला होने वाला है। हाय सर, वसे ओपी नोवा गेमिंग मेरे भाई, वसे ओपी ब्रो। और गाइस, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेके ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे, मस्त करके अपना पेट भर लिया है, खाना वाना खा लिया है। तो देखते हैं यहाँ पे टीम 23 में फर्स्ट प्लेयर कौन है, 23 में फर्स्ट प्लेयर कौन है देखते हैं जरा। बीरो आ ये द कॉन्करर शॉन। ओके अच्छा भाई मारो। ओहो, कार्नेज भैया अभी तो दिखे थे भाई, कहाँ पे गए कार्नेज, वापस से गायब, ये क्या सीन है ब्रो, अभी तो दिखा था मेरे को कार्नेज। अच्छा, मैं भी बंदों को बुलाने चले गए हैं, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन है। मैं भी कार्नेज यहाँ पे थोड़े से क्या हो गया उसको, क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली मैं भूल गया गाइस, यहाँ पे इनएक्टिव हो गए रहेंगे, इसके लिए मैं भी वापस से बाहर चले गए रहेंगे रूम से, वापस से इनको आईडी पासवर्ड डाल के आना पड़ेगा। इरेंगल के मैच में बास के बंदे ने बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही ओपी यहाँ पे होल्ड किया, बट एक डिसएडवांटेज था इनके पास में, तो थोड़ा सा यहाँ पे हो गया सीन। टारगेट स्पोर्ट्स के बंदों ने फुल बूम बाम पे लिया, हाथ आया चिकन चला गया रे। अरे ब्रो, यस 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 ब्रो, पता है, आई नो बाय द वे जी जी यार गाइस, जो इतने भी बंदे खेल रहे हैं फुल एकदम जी जान लगा के खेलते हैं तो भाई मजा आता है यार। ओ, कार्नेज यहाँ पे वापस से आ चुके हैं भाई, कॉन्करर की फ्रेम लेके, वो भी भाई सब लोग भाई कॉन्करर की फ्रेम तो लाके लाते ही है, यहाँ बूम बाम तो करते ही है। बिकॉज आई होप कि जितने बंदों के पास में एंड्रॉइड फोन है फटाफट अपने भाई ओरिजिनल आईडी से धीरे धीरे आना चालू करेंगे, बिकॉज आप लोगों को तो पता ही है गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे। जो न्यूज के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं उसका तो वेट करते ही रहिए, बहुत ज्यादा टाइम मेरे को लग रहा है कि होने वाला है। तो भाई अपने कॉन्करर्स के अकाउंट जो है स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम दैट अकाउंट, जो नॉर्मल अपने अपना जो एक आपको चाहिए तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर में वो लिंक ऑलरेडी दे दी है, आपको डाउनलोड करना है तो आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एंड्रॉइड एपीकेस। एंड ऑल्सो गाइज, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अ वे टू यू नो स्टार्ट द ग्लोबल अकाउंट इन आईफोन iOS, देखता हूँ मैं, आई विल ट्राई टू फाइंड अ वे। आई थिंक सो, हम अगर कंट्री चेंज करेंगे तो मे बी यहाँ पे डाउनलोड हो सकता है ग्लोबल अकाउंट, बट देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन है। तो मे बी इफ यू गाइस कैन शिफ्ट द कंट्री टू US और कैनेडा और समथिंग लाइक दैट, तो मे बी यहाँ पे ग्लोबल अकाउंट आपका स्टार्ट हो सकता है।
भाई आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट चालू है इन iOS तो जरूर हमें बताया जाए एग्जैक्टली आपने कैसे किया ताकि हम बाकी बंदों को बता सके। एंड बंदे आपने भाई मेन अकाउंट से खेलना चालू करे ब्रो, हमारे स्लॉट पे जीएनआर बैठी है स्लॉट नंबर 22। ओके ब्रो, लेट मी गिव देम इंट्यूशन प्रॉपर। एक मिनट गाइस, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। राइडर एक मिनट वेट करेगा, या आप यू गाइस कैन टेक स्लॉट नंबर 2 और स्लॉट नंबर 4, वॉट एवर इज प्रेफरेबल। हमने उनको बोल दिया शिफ्ट करने के लिए, स्लॉट 2 में जा रहे हैं बंदे। धीरे धीरे आप स्लॉट नंबर 4 में आके, स्लॉट नंबर 22 में आके बैठ सकते हैं। टीम बॉम्बर आप लोग स्लॉट नंबर 22 में आके बैठ सकते हैं आराम से। और गाइस लास्ट 2 मिनट हम लोग देने वाले, 2 मिनट हम लोग देने वाले हैं बंदों को आने के लिए। तब तक के लिए देखते हैं यहाँ पे स्क्वाड्स आने वाले हैं कि नहीं। फिलहाल के लिए मेरे को लग रहा है कि 64 का यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। मे भी बंदे यहाँ पे पुश कर रहे हैं अभी तक, भाई पुश करते ही रह रहे हैं। देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन हो रहा है। भाई ये हमारा रियान, गाइस एक मिनट वेट करेगा, इनको कॉल करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है रियान को। जी हाँ ऑलरेडी शिफ्ट हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। और गाइस तो हमें लग रहा है कि इतने बंदे आने वाले हैं शायद से, देखते हैं यहाँ पे। वील वेट 1 मोर मिनट, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 2 मिनट बोला था तो 1 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। एंड बॉम्बर की स्क्वाड अपने स्लॉट में आके बैठ चुकी है। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है यहाँ पे बंदों के साथ में। नेक्स्ट वाला मैप जो है, अगला वाला मैप जो है, जो वो होने वाला है मेरा मार और फिर बूम बाम। गाइस धीरे धीरे होगा होगा गाइस बूम बाम, देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए 67 की लॉबी अप्रोक्सीमेटली तो ओके लॉबी चलती है यहाँ पे गाइस। बूम बाम वाली लॉबी होती है, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। ओके आई थिंक तो गाइस हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए एंड वी वोंट बी वेटिंग फॉर एनीबॉडी एल्स। लेग लेते हैं यहाँ पे, स्टार्ट कर लिया है एंड ये स्टार्ट हो चुका है। रॉयल पास 17 गाइस, किसने किसने रॉयल पास लिया फटाफट बताइए। अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं, हमारे पास में एक तरीका है जैसे आप रॉयल पास ले सकते हैं अपने ग्लोबल अकाउंट में। फॉर के आर यू गाइज विल हैव टू गिव अस आर आईडी एंड पासवर्ड, बट वो हम लेते नहीं है नॉर्मली। हम के आर का रॉयल पास नहीं करते हैं बिकॉज भाई बंदों को यार ट्रस्ट इशू बहुत रहते हैं, तो के आर पे नहीं करेंगे वो। ये अच्छा भाई वैसे भी यार फोकट के गन स्किन और सब कुछ मिलते हैं यार। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे मेन अकाउंट के ऊपर रॉयल पास लेना है तो यू गाइज कैन श्योरली कॉन्टैक्ट अस, विल गिव यू द रीजनेबल रेट। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे हम लोग, यस ऑफ कोर्स विल गिव यू अ रीजनेबल रेट। एंड ऑल्सो गाइज अगर आप लोगों को कोई यूसी यूसी लेना है तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई सस्ता यूसी देने वाला बंदा जो ट्रस्टेड बंदा है तो यू गाइज कैन यू नो हमें अगर कॉन्टैक्ट आप दे देंगे उनका तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, सो दैट वी कैन प्रोवाइड प्रॉपर यूसी इन प्रॉपर लाइक, समझ रहे ना प्राइस। फिलहाल के लिए हमारे पास में जो बंदा है वो ओके ओके प्राइस में देता है, आई थिंक सो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मार्केट रेट में देते ही है ऑफकोर्स। तो देखते हैं अगर उनके पास में सस्ता रहेगा आपके सामने वाले बंदे के पास में तो जरूर उनके पास से ले लेंगे। म्यूजिक यहाँ पे बंद कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे फ्लाइट पाथ कहाँ पे आ चुका है। फ्लाइट पाथ जो है वो अल अजहर से लेके मॉन्टेन्यूवे तक तरफ आ चुका है। एंड देखते देखते यहाँ पे बूम बाम होने वाला है, देखते हैं बंदे कहाँ कहाँ पे उतरने वाले हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि भाई
एल पोसो पिकाडो लॉस लेनोस की तरफ जाने वाली है पब्लिक। एंड जाते जाते यहाँ पे बूम बाम हो सकता है, देखते हैं टीम नंबर 25 को जो कि अकेला बंदा ब्लिथ क्या करने वाला है आज। ब्लिथ को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्लिथ उतरने की कोशिश, भाई ब्लिथ मर गया, ये क्या सीन है ब्रो? नहीं अभी तक जिंदा है ब्रो, ये क्या, ये भाई फ्लाइट के अंदर मरा हुआ क्यों दिख रहा है हमें ब्लिथ? अच्छा वो फ्लाइट का कोई ग्लिच रहेगा। ओके ब्लिथ ने अभी जंप कर लिया है, जंप करके ब्लिथ उतरने वाले हैं, देखते हैं कहाँ पे उतरेंगे। मेरे को लग रहा है कि बंदे ब्लिथ के नजदीक में ही जाने वाले हैं, भाई ब्लिथ फुल बूम बाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी ये वाले कंपाउंड के नजदीक में जा रहा है जो कि है इनके राइट साइड में। अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इनका राइट साइड में, एंड ब्लिथ वहां पे जाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। ये उतर गए हैं फुल अटैक करने की कोशिश में, भाई ब्लिथ एक वेयरहाउस के नजदीक में पिकाड़ो के पास में, भाई ब्लिथ गोल गोल घूम रहे हैं, गाड़ी ढूंढ रहे हैं, मे भी गाड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ इनको पता है कि गाड़ी यहाँ पे मिलती है, एंड पिकाड़ो के नजदीक कंपाउंड में गाड़ी ले ली है, वहीं पे बॉम्बर की स्क्वाड जो है वो उतर चुकी है एंड फाइट करने वाली है। यहाँ पे नजदीक में बंदे बॉम्बर के साथ ही थोड़े से दूर, जी ना ब्लिथ थोड़े से दूर उतर चुके हैं, वहीं पे भाई टीम नंबर 17 भी यहाँ पे उतर चुकी है। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है गाइस, यहाँ पे टीम नंबर 17 का। फुल अटैक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है टीम नंबर 17 जो कि है MTF Esports। अभी हम लोगों को देखना ये है कि एग्जैक्टली क्या होगा इनके साथ में या बॉम्बर के स्क्वाड के साथ में, क्योंकि ये लोग दोनों नजदीक में है। वहीं पे अभी तक किसी ने फर्स्ट ब्लड लिया नहीं है, ELW की टीम जो है वो जो कि जीना की टीम वो एक ही ड्रॉप पे उतर चुकी है। देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे उतर गए हैं, भाई एक बंदे को यहाँ पे नॉक दे दिया है, कर्मा को शकुनी ने नॉक दे के खत्म कर दिया, फिनिश ऑफ कर दिया है। अभी 3 जन अभी तक बाकी है जो कर्मा को नॉक दिया था, मे भी यहाँ पे भारी पड़ने वाला है। वहीं पे क्या बंदे आगे आएंगे और इनको हेल्प करेंगे या नहीं, वो हम लोग को फिलहाल के लिए देखना पड़ेगा। देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। कर्मा को यहाँ पे छोड़ दिया गया है बिकॉज इनको पता है कि भाई पहले इन लोगों को लेना है भाई आमर एंड वेस्ट। देखते हैं बंदों के पास में आमर एंड वेस्ट नहीं है, और मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे अलग स्ट्रैटेजी लेने की कोशिश कर रहे हैं या शायद इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ खत्म तो कर दिया है यहाँ पे कर्मा को, भाई 2 ऐड आया, 2 ऐड आया, ओ भाई थैंक यू ब्रो, RXR गेमिंग थैंक यू ब्रो। अभी ये फाइट तो चालू हो चुकी है, वो जीना का एक लाइनअप अगेंस्ट दी अनदर लाइनअप। मेरे को लग रहा है ये लोग तो भाई साथ में भिड़ते रहते हैं, भाई पता नहीं क्यों यहाँ पे इनका भाई कुछ अलग ही कनेक्शन है गाइस। मेरे को लग रहा है दूसरे बंदों के साथ में कम भिड़ते हैं, इनके साथ खुद के साथ में भाई भिड़ते रहते हैं। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन है भाई जीना के बंदों का, मेरे को पता नहीं। ऑन टॉप के बंदे जो है वो थोड़े से आज थोड़े से यहाँ पे ड्रॉप से अलग हो चुके हैं, ऑन टॉप के बंदे थोड़े से यहाँ पे अलग उतर चुके हैं, एंड मे भी यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग ही सोचा है। इन लोगों को तो पता ही है एग्जैक्टली मेरे को लग रहा है कि बंदों ने क्या सोचा। और थग ने बहुत ही ओपी सा नॉक यहाँ पे निकाल लिया है बॉम्बर के बंदों का, जी ना के ब्लिथ भी वहाँ पे भी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बंदों को मारने की कोशिश करने वाले हाइपर आरिश भी यहीं पे है। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। राइडर को यहाँ पे रैप दे दिया जाएगा, ब्लिथ कहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो ब्लिथ बहुत ही दूर है। देखते हैं भाई क्या क्या सीन होगा और क्या नहीं होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे बॉम्बर की स्क्वाड एंड टीम 17 जो कि है MTF Esports अटैक करने के ऊपर तो है, पर वहीं पे गए टीम GNR वर्सेस टीम GNR भी फाइट होने वाला है। देखते हैं एग्जैक्टली क्या इनके साथ में होने वाला है टीम GNR टीम GNR के साथ में। टीम जी एन आर यहाँ पे दोनों फाइट कर रहे हैं, जी एन आर वर्सेस जी एन आर, वही पे बॉम्बर की स्क्वाड भी फंस चुकी है ORG के बंदों के बीच में। ORG थक वहां पे है, MTF के स्क्वाड की तरफ से खेल रहे हैं आज टीम ORG, में भी आधे टीम यहाँ पे ORG की खेल रही है या शायद सी, जी हाँ 2 बंदे यहाँ पे ORG के खेल रहे हैं, 2 बंदे यहाँ पे MTF के है। 69 2.0, ओ 69 2.0 बहुत ही ओपी सा नाम यहाँ पे रखते हुए अपना
69 2.0 को देखेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद में। फिलहाल के लिए यार बंदे मस्त मजे ले रहे हैं, फुल बूम बाप कर रहे हैं। आई होप सो गाइस हम लोग ने जोन का स्पीड यहाँ पे 1.2 किया है, क्योंकि भाई बंदे जो है ना वो बहुत ही लेट फाइट लेने वाला है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे केओस जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बंदों को यहाँ पे हिट दे सकते हैं। ऑन टॉप के बायोनिक ने बहुत ही ओपी से नॉक यहाँ पे निकाल लिया, ऑन टॉप के बंदों ने फाइट चालू कर ली है भाई, हिट करना चालू कर दिया है। एक और बंदे को यहाँ पे नॉक लेते हुए यहाँ पे नूब का नॉक निकाल लिया है ऑन टॉप के बंदे ने। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे इनके साथी को नजदीक आना ही पड़ेगा, एंड बंदा भाई सीधा घुस रहा है अंदर, प्रफुल सीधा अंदर घुस रहा है। मेरे को लग रहा है कि वो जाके इनको पेलेगा, इसको पता है कि अकेला बंदा है यहाँ पे, तो अंदर घुस गया भाई, नेट डाल दिया यहाँ पे बंदे के ऊपर और इनको फोड़ दिया गया भाई। ओ बादू से प्रफुल का नॉक निकालते हुए इनके साथी को मार जरूर दिया, पर ओ जैच H29 जो है इतने गुस्से में कि क्या ही बोले, वहीं पे थग ने एक और बार आरिश को पेल दिया। निशान जो है वो ओपी से पोजीशन में है, तो निशान को यहाँ पे बचना पड़ेगा, और डोप को यहाँ पे नॉक देते हुए ELW के बंदे या जो कि है GNR के बंदे स्टीव ने यहाँ पे नॉक दे दिया। अकेला बंदा मेरे को लग रहा है कि शायद से बाकी है यहाँ पे, इनके ऊपर अभी रश किया जाएगा, देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है इनको के साथ में। फिलहाल के लिए यहाँ पे बंदे फुल मस्त मजे कर रहे हैं। कर्मा मेरे को लग रहा है कि कर्मा के साथ में रियान भी जिंदा है, शॉन के ऊपर यहाँ पे स्पॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं रियान एंड ELW के, शॉन को यहाँ पे हिट कर सकते हैं। रीपर लाइव आज साइबॉक के साथ में खेल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे पेल रहे हैं रीपर के बंदे। और देखा जाए तो ये है भाई मैनिस के बंदे यहाँ पे फुल बूम बाम करने की कोशिश कर रहे हैं, रीपर एक्स यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे टीम FE के ऊपर अटैक देने की पूरी कोशिश, टीम नंबर 19 के ऊपर अटैक, साइबॉक एश जो है वो भी यही पे है, इनके ऊपर अटैक कर जरूर रहे हैं बंदे, थोड़े से होल्ड बैक कर रहे हैं। कोशिश बंदों के लिए ओपी सा नेट यहाँ पे डीजे का आता हुआ, दो बंदों को नॉक दिला दिया यहाँ पे, अकेला बंदा यहाँ पे बाकी है, वहीं पे वैनिक से सेंपाई जो है बाजू से पहनने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लैश यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, डीजे यहाँ पे पुश बैक पुश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लैश ने भाई सेंपाई को मारने की कोशिश पूरी की है, पर फ्लैश को यहाँ पे फॉल बैक करना पड़ेगा, और ये भाई यहाँ पे एक बंदे को नॉक दे दो रिपर अलाइव को, एक और नॉक यहाँ पे देते हुए फ्रोसा यहाँ पे नॉक दे दिया ब्रदर ने, डीजे अकेले बाकी है भाई, एक और बंदे को अपना रैप देते हुए टीम 19 के बंदे बहुत ही ओपी से होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंपाई पीछे से आ गए और इनको बता दिया है कि बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं, मे बी फ्लैश यहाँ पे हिट करने की कोशिश करने वाले हैं। डीजे आगे बढ़ रहे हैं और ये नॉक दे दिया है यहाँ पे, अभी फ्लैश यहाँ पे सैंडविच हो जाएंगे, फ्लैश के ऊपर अटैक जरूर आ रहे हैं, डीजे को बता दिया यहाँ पे बंदे यहीं पे है नजदीक में, और डीजे पीछे से अटैक करने की कोशिश करने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। फ्लैश एंड डीजे एंड ये खत्म करते हुए डीजे बंदों को टी नंबर 19 के नेड़ आता हुआ, क्या डीजे नॉक हो जाएंगे खुद, और डीजे की बहुत ही लो, पर डीजे बच जाते हैं यहाँ पे, अपने साथी का नेड़ जरूर आया था पर डीजे बच जाएंगे। एंड टीम MTF यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हाइपर के आरी जो है वो धीरे धीरे अटैक होल्ड कर रहे हैं, केओस को यहाँ पे नॉक करके फिनिश किया जाएगा, दो बंदों को यहाँ पे पिक ऑफ कर दिया जाएगा एंड बहुत ही ओपी सा यहाँ पे नॉक देते हैं। फ्लिक अंदर घुसने की कोशिश, पूरा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं फ्लिक यहाँ पे, अलग होते हैं 762 762 लेके यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं, चेरकेस के ऊपर यहाँ पे आराम आराम से स्काउटिंग करते हुए स्पॉट करने की कोशिश पूरी की जा रही है, एंड ये हिट देंगे फ्री फायर में, बंदों को नॉक लेने की कोशिश करेंगे, हिट जरूर दिए भाई इनके पास में, और भाई DPS से बचना पड़ेगा, फ्लिक को M4 में स्विच कर लिया है, इनको मालूम पड़ चुका है, बाजू से जाने की कोशिश कर रहे हैं फ्लिक यहाँ पे, देखते हैं क्या होने वाला है फ्लिक के साथ में। ओ चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे फ्लिक, बट मे बी यहाँ पे कुछ सीन हो रहा है, फ्लिक को यहाँ पे पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फ्लिक भाई एक एक करके ऊपर चढ़ रहे, मेरे को लग रहा है फ्लिक के पास दिमाग है गाइस, फ्लिक यहाँ पे कुछ ना कुछ अटैक करने की कोशिश करने वाले हैं, एक तगड़ा वाला अटैक देने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे विभांशु आ चुके हैं फ्लिक के ऊपर, नीचे ड्रॉप कर लिया फ्लिक ने अपने आप को, फ्लिक ने देख लिया है मे बी यहाँ पे अटैक हो सकता था फ्लिक के ऊपर, ऑन टॉप ESP यूज करती है, अरे ब्रो नहीं ESP नहीं यूज करती, ऑन टॉप के प्रफुल वहां पर नॉक हो पड़े हैं भाई, ऑन टॉप की फाइट जो है वो अभी तक चालू है, एंड भाई ऑन टॉप के बायोनिक भी यहाँ पे बंदों को मारते हुए वहीं पे देखा जाए तो भाई ORG के साथ जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं अलॉन्ग विद 69 2 पॉइंट, और ये नॉक देते हुए थक भी यहाँ पे मे बी फॉल बैक करेंगे, थक को अपने साथियों को बचाना ही पड़ेगा, एंड ये अटैक करने की कोशिश, फ्लिक चढ़ चुके हैं ऊपर, अकेला बंदा यहाँ पे साथी को खत्म कर दिया है, थक अपना फायर मिस करते हुए, एंड ये भाई दोनों फायर मिस कर लिए बंदों ने,
खत्म कर दिया बंदों को यहाँ पे, चोक हो गए थे ऑलमोस्ट, पर यहाँ पे बच जाते हैं टीम MTF ने भाई, खत्म कर दिया बंदों को। वहीं पे ऑन टॉप के बंदों को देखा जाए तो ऑन टॉप के बंदों ने भी भाई पेल लिया बंदों को, वहां पे इनका एक साथ ही नॉक हुआ पड़ा है। देखते हैं यहाँ पे ये क्या सीन चल रहा है, शॉन यहाँ पे नॉक पड़े है, बट शॉन के पास भाई कोई तो आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे इनके नजदीक में कौन है गाइस, ये रियान, जी हाँ रियान है यहाँ पे, एंड शॉन यहाँ पे भाई इनको स्पॉट करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है कर्मा, यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक बंदे को नॉक दिया जरूर है कर्मा, केल बहुत ही लो में भी यहाँ पे कर्मा, ओ भाई फिनिश ऑफ करते हुए, बहुत ही ओपी सा फिनिश यहाँ पे कर्मा करते हुए, एंड कर्मा ने भाई गन स्विच करके पेल दिया भाई, एक गेम के साथ में यहाँ पे खत्म कर दिया है बंदों को। वहीं पे गाइस अभी इन लोगों को जाना पड़ेगा जोन का, जोन चालू हो चुका है, ब्लिथ वहां पे मर चुके हैं भाई, GNR के बंदे ड्रॉप के नजदीक में आते हुए, बंदे रोटेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे द स्पोर्ट्स के रोटेशन में भी कोलाइड हो सकते हैं विद टीम ORG या सम अदर टीम, देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे कोलाइड हो सकते हैं भाई। द किपी क्या कर रहे हैं भाई, द किपी ऑफलाइन चले गए मेरे को लग रहा है यहाँ पे, वो नहीं दस के पास में बाइक वाइक सब कुछ है, तो दस के बाद में आएंगे, लेट आएंगे। यहाँ पे गाइस वैनिश स्पोर्ट्स के बंदे कोलाइड हो सकते हैं बंदों के साथ में, एंड मे बी यहाँ पे रॉक्स के बंदों के साथ में यहाँ पे कोलाइड होने की पूरी आशंकाएं है पूरे यहाँ पे भाई, होप्स है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है गाइस, यहाँ पे टीम रीपर अलाइव यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, टीम नोट बनी पान के बंदे भाई बूम बाम करके कुछ टैप टैप दिए जा रहे हैं, वो भी 5-6 A4 के साथ में। ओह भाई यहाँ पे स्मोक मार लिया है, एंड रिगर को यहाँ पे टैप 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 करते हुए यहाँ पे हमें दिख रहे हैं फिलहाल रिपर्स लाइव, और रिपर्स RO के ट्रिगर भी वहीं पे नजदीक में, रॉक्स के ट्रिगर भी है, गैरी भी है, फैंग भी है, देखते हैं क्या सीन होने वाला है इनके साथ में। बंदे सब लोग यार सेंटर ऑफ द जोन जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं एग्जैक्टली क्या सीन है यहाँ पे। टीम GNR का एक स्ट्रेटजी ये जरूर रहता है एक लाइनअप का कि वो लोग सेंटर ऑफ द जोन में जाके सेंटर पकड़ ले, ताकि इन लोगों को जब भी मूवमेंट करना पड़े, इन लोगों को जब भी आगे बढ़ना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। पर बास के बंदों ने मे बी यहाँ पे भाई डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ा ली है रिपर अलाइव के, रिपर अलाइव को यहाँ पे स्पॉट इजी हो सकते हैं बंदे, बाजू से यहाँ पे बंदे जा रहे हैं, वेट करेंगे रिपर एंड बाद में हिट करेंगे, बंदा उतरने की कोशिश कर रहा है एंड ये उतर चुका भाई रिपर के सामने ओपन शॉट, ओ DJ यहाँ पे नॉक हो जाएंगे गाइस, यहाँ पे बंदे को स्पॉट कर लिया है काकारुत को यहाँ पे नॉक देते हुए, जोकर ने भी स्पॉट कर लिया रहेगा यहाँ पे रिपर लाइफ को। देखते हैं यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, जोकर को भी स्पॉट करके यहाँ पे हिट करने की कोशिश करने वाले, देव भी यहाँ पे आ गए हैं, देव के ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे यहाँ पे रिपर लाइफ, नेड यहाँ पे कुक किया जा रहा है भाई, नेड डाल दिया यहाँ पे भाई, एक नेड डबल नेड यहाँ पे डालते हुए, स्मोक भी डाल दिया गया है। बंदा नहीं मरने वाला है मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे फिलहाल के लिए, दूसरा बंदों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं रिपोर्ट अलाइव को, यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए बिकॉज बंदों को पता है कि ये यहीं पे है और नजदीक में है, वहीं पे भाई इनका एक बंदा जो है वो नॉक हुआ पड़ा है, नॉइजी ने भाई फैंग ओपी को यहाँ पे बहुत ही ओपी सा नॉक निकाल लिया है। वहीं पे भाई टीम ORG ने भी अटैक्स करने चालू कर दिए है भाई, यहाँ पे अटैक चल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे टीम MTF क्या कर रही है भाई, एक बंदा भाई इन्होंने खत्म कर दिया है मेरे को लग रहा है, दो बंदों को नॉक दे दिया यहाँ पे टीम में 16 के बंदों को, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि हिट करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, वही पीछे से यहाँ पे इनके ऊपर अटैक्स आ चुके हैं एंड TNG के नारुतो जो है वो भी मार रहे हैं, बैठ के ओपी से नॉक यहाँ पे थग का, एंड थग भाई बंदों को पेलते हुए हमें दिख रहे हैं, देखते हैं क्या सीन होने वाला है, थग कैसे मारने वाले भाई पेलेंगे भाई यहाँ पे स्नाइपर के साथ में फटके देने की कोशिश कर रहे हैं। वही पे टीम जीना जो जोन के अंदर है इनके ऊपर भी अटैक्स हो सकते हैं, स्पेक्टेट कर लेते हैं फिलहाल के लिए, हम लोग स्पेक्टेट कर रहे हैं ड्रॉप को, टीम GNR एग्जैक्टली है काफी, इनका एक साथ ही नॉक हुआ पड़ा शायद से या दूसरे बंदे को नॉक किया शायद से ये, तो भाई टीम वैनिश स्पोर्ट्स के बंदों को नॉक किए जा रहे हैं, DJ यहाँ पे नॉक हुए पड़े, नेड डाल दिया है यहाँ पे, शॉन का ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा हिट नेड का पड़ गया था, शॉन यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़े, DJ यहाँ पे हिट करने की कोशिश करने वाले, देखते हैं एग्जैक्टली कैसे होने वाले, यगमार्शल एंड शॉन दे आर गोइंग है, DJ यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं, इनका एक साथ ही नॉक हुआ पड़ा है, सेंट पैक बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड ये शायद से बचा ही लेंगे यहाँ पे। रीपर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, यगमार्शल की हेल्थ लो हो चुकी है, इसका मतलब तीन बंदे ऑलरेडी जिंदा है, GNR के वायर सेक्शन है, मे बी यहाँ पे फ्लैंग मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनको जल्दी से यहाँ पे आना पड़ेगा ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ T021, देखते हैं यहाँ पे इनका फ्लैंग कैसे काम आने वाला है। वहीं पे भाई ORG के बंदों ने भाई बंदों को पेल दिया फिलहाल के लिए, यहाँ पे टीम MTF बहुत ही ओपी से खेलती हुई, वहीं पे ये जो फाइट चल रही है टीम GNR वर्सेस टीम वायरक्स ई-स्पोर्ट्स, देखते हैं यहाँ पे कौन आगे बढ़ने वाला है ये फाइट के अंदर से, कौन एलिमिनेट होने वाला है एंड कौन यहाँ पे आगे जाने वाला है।
अगले बंदे अभी फॉल बैक करते हुए हमें दिख रहे हैं। टीम वायरस स्पोर्ट्स यहाँ से निकलने वाली है, देखते हैं ये लोग कैसे यहाँ से रोटेशन मारेंगे। गाड़ी में बैठ के या फिर मे बी एक सेफ सिचुएशन में जाने की कोशिश करें, सेफ पोजीशन में जाने की कोशिश करें। वैट 69 भी वहीं पे थे, जोन में पूरी कोशिश की जा रही है जाने की, एंड वैनेस स्पोर्ट्स ने एक पीछे वाला ग्राउंड होल्ड कर लिया है। पीछे वाला ग्राउंड होल्ड करते हुए टीम वैनेस स्पोर्ट्स ने एक अच्छा खासा कंपाउंड होल्ड कर लिया। वहीं पे बास के बंदे जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एंड सेंटर से भाई बंदे मारते हुए टीम जीएनआर यहाँ पे दो स्पोर्ट्स के बंदे भी एज के एज थ्रू यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनके ऊपर अटैक आ चुके हैं, टीम ऑन टॉप यहाँ पे अटैक करती हुई इनके ऊपर, इनको पीछे जाना पड़ेगा। गाड़ी ऑलमोस्ट फूट गई है, गाड़ी के ऊपर अगर अटैक आएंगे तो गाड़ी फूट जाएगी। दो बंदे नॉक, बहुत ही ओपी सा यहाँ पे गाड़ी को फोड़ के दो बंदों को नॉक दे दिया। जाओ स्पोर्ट्स के आरुष ओपी अकेले बाकी अभी तक जिंदा है, देखते हैं यहाँ पे आरुष कहाँ पे एग्जैक्टली स्पॉट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बायो ने गाड़ी में बैठ चुके हैं और इनके ऊपर भाई गाड़ी के ऊपर अटैक आ चुका है, पर स्विच नहीं की अपनी गाड़ी को बचाते हुए मे बी आरुष के पास में जाएंगे एंड अटैक करेंगे बायो ने। बहुत ही ओपी था यहाँ पे नॉक निकालते हुए एंड अपना भाई किल को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन टॉप के बायोनिक। देखते हैं यहाँ पे इधर क्या सीन होने वाला है। आरुष बंदों को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि है निशान, देखते हैं यहाँ पे निशान के ऊपर कैसे हिट्स मारने वाले हैं। आरुष यहाँ पे बंदे को स्पॉट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, मे बी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे निशान कहीं से तो बाहर निकलेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या निशान बाहर निकलेंगे या नहीं। गाड़ी के टायर फोड़े जा रहे हैं गाइस यहाँ पे एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इनके ऊपर अटैक भी आ रहा है, बट आरुष इनको छोड़ नहीं रहे भाई। आरुष बोल रहे कि अगर मैं मरूंगा तो मेरे साथ में तुम भी मरोगे। बायोनिक के ऊपर यहाँ पे मॉली आता हुआ, यानी मॉली थोड़ा सा यहाँ पे राइट साइड में डाल दिया। बायोनिक गाड़ी लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी मेरे को लग रहा है बायोनिक के ऊपर हिट हो सकते हैं, बट आरुष ने इनको छोड़ दिया है और इनको जोन में जाना पड़ेगा और जोन में जाने की पूरी तैयारी की जा रही है बाय आरुष। बायोनी क्या निशान दोनों गाड़ी लेके निकल चुके हैं, वहीं पे कहीं सेंटर ऑफ द जोन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे टीम जीत रहे। शॉन का ओपी सर नॉक यहाँ पे आते हुए, बास के डेव का बहुत ही तगड़ा वाला नॉक यहाँ पे शॉन निकालते हुए विद कार 98। मे बी यहाँ पे बास के देव के पास में भी कार 98 हो सकती है, देखते हैं यहाँ पे बास देव के पास में क्या स्नाइपर है या नहीं। आई गेस यहाँ पे इनके पास में 16 और एल्स एकेएम है, देखा जाए तो यहाँ पे हिट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे शॉन को स्पॉट किया जाएगा, मे बी कार्नेज भी हिट देने की कोशिश कर रहे हैं बंदों को। वहीं पे शॉन यहाँ पे भाई बैठ गए भाई बूम बाम करने की कोशिश में, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन होने वाला है। वैट 69 जो है वो भी होल्ड कर रहे हैं भाई, बंदों ने अकेले अकेले भाई अलग अलग से पोजीशन पकड़ लिए। वैट 69 शायद से तकलीफ में हो सकते हैं क्योंकि इनके सर के नजदीक में रॉक्स के बंदे अगर स्पॉट हो गए तो यार यहाँ पे नॉक हो सकते हैं अगर ये एंगल से स्पॉट हुए तो। हैशटैग के बंदे भी धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, कार्नेज ने एक अलग कंपाउंड पकड़ लिया। वहीं पे द लीडर ने एनसिंग के बंदों को नॉक करना चालू कर दिया, तो एनसिंग बंदे वहां पे नॉक होते हुए अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाई एनसिंग के बंदे नॉक हो गए। घोस्ट ओपी जो थे वो नॉक हुए पड़े हैं और घोस्ट ओपी को यहाँ पे कुछ करके रैप देना ही पड़ेगा। और ये अच्छा खासा यहाँ पे अपने दोस्त को रैप देते हुए घोस्ट ओपी को रैप अच्छा खासा दिया है भाई, एक और बंदे को नॉक दिला दिया है यहाँ पे। वैट 69 ने इसको फिनिश ऑफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बैट 69। वहीं पे पीछे से भाई बैट 69 के ऊपर टीम आरओ आ चुकी है, बैट 69 को यहाँ पे आगे बढ़ के अटैक करना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे तीन चार बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं। बैट 69 को मालूम पड़ चुका है कि भाई चारों के चारों बंदे इनके नजदीक में आ गए, बैट 69 को अभी इन लोगों को फिल्टर करना पड़ेगा और बास के बंदों को छोड़ना पड़ेगा या ये पोजिशन स्विच करनी पड़ेगी। देखते हैं यहाँ पे वैट 69 कैसे दिमाग चलाते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे अच्छा खासा जोन आ चुका है एंड ओआरजी के तक जो है वो नॉक पड़े हैं। एफएसएम के बंदे धीरे धीरे एज के पास जा रहे हैं, जीना के रियान जो है वो भी भाई एक राउंड सर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा है। आरुष जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, थक जो है वो नॉक पड़े हैं। अभी अपने साथी को यहाँ पे रैप दिलाने के लिए बुलाया रहेगा और इनके ऊपर अटैक आते हुए आरुष के ऊपर अटैक जो आ चुका था वो आरुष ऑलमोस्ट बच चुके हैं। नरूटो जो है इन्होंने पोजिशन स्विच कर ली है, नरूटो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे सीधा अटैक करेंगे बंदों के ऊपर। नहीं ये तो निकल रहे हैं, इनको जाना है भाई एक अच्छा खासा पोजीशन ढूंढना है बंदों के पास से, अलग से जाना है। यहाँ पे वैलेंस के बंदों ने मारना चालू कर दिया है, मतलब भाई वैलेंस के बंदे भी छोड़ नहीं रहे बंदों को।
आरुष ने यहाँ पे एक और बंदे को गिरा दिया है एंड भाई बंदे यहाँ पे एक के पीछे एक मार दिए गए हैं भाई, इनका साथी मर चुका है। नेड यहाँ पे आते हुए आरुष के ऊपर, पर आरुष बच जाएंगे। आरुष अच्छा खासा यहाँ पे रिज होल्ड कर रहे हैं, पर इनके लेफ्ट साइड से इनके पास में कवर नहीं है। अगर स्मोक डाल रहे तो कुछ ना कुछ हो सकता है, कवर इनको मिल सकता है। वहीं पे यश रोटेट मार लिया, यश ने भाई फ्लिक भी यहाँ पे नेड डाल रहे हैं आरुष के ऊपर। तीनों बंदे लक्ष्य बाजू से यहाँ पे हिट करेंगे एंड आरुष को खत्म कर देंगे, फिनिश ऑफ करते हुए आरुष को यहाँ पे लक्ष्य। वहीं पे रॉक्स के भाई बंदे मारे जा रहे हैं यहाँ पे, एफएसएम के लक्ष्य यहाँ पे यश आते हुए यहाँ पे इनके ऊपर रश मार दिया है एमटीएफ के ऊपर है, सड़क भी यहीं पे है भाई। देखते हैं यहाँ पे इधर जाने वाला कार्नेज ने वहां पे भाई पास के देख को गिरा दिया गया। बाजू से देख लिया है यहाँ पे थग आ गए हैं, थग के ऊपर अटैक कर रही है पूरी कोशिश जिगल देते हुए। यहाँ पे जिगल का फाइट चलते हुए एंड यश ने ये जिगल का फाइट जीत लिया है, बंदों को यहाँ पे खत्म कर दिया। टीम एफएसएम साथ ही मर चुके हैं, इनके टारगेट स्पोर्ट्स भी यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं यहाँ पे भाई ये तो अकेला बंदा जोन के बाहर ये होल्ड कर रहा है, वहीं पे टीम हैशटैग भी इनको मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिंह का एक बंदा भाई मर चुका है। आर यू मैरिड? यस ब्रो आई एम मैरिड। ओके तो कार्तिक को अगर देखा जाए तो कार्तिक यहाँ पे बूम बम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे मेलाट्रॉन को भी नॉक दे दिया है और ये बंदा जोन से मर गया। किल लेने की कोशिश कर ली थी यहाँ पे मेलाट्रॉन ने, बट एक एचपी से भाई बंदा बच गया है, जोन ने इसको खा लिया, किल भी नहीं दिया भाई बंदों को। भाई बंदों का यहाँ पे हार्ड लक हो चुका था यहाँ पे भाई, बहुत ही गंदा लक बंदों का भाई, मेलाट्रॉन का बहुत ही गंदा लक भाई। एक एचपी में बंदे यार क्या ही बोलेगा इस, क्या ही बोले। यहाँ पे टीम जीना ने रोटेशन मारने वापस से चालू कर दिया, टीम हैशटैग में भी यार बंदों को पिकअप करने की कोशिश कर रहे, शायद से किसी बंदों को ढूंढ रहे। यहाँ पे मॉडस अगर देखा जाए तो मॉडस के पास में है M4 ऑन टॉप के बंदे धीरे धीरे यहाँ पे सेंटर ऑफ द जोन है, बंदे यहाँ पे धीरे धीरे आगे आ रहे हैं भाई। ओपी सर नॉक देते हुए जीसी के स्क्रीम, स्क्रीम को स्पॉट कर लेते हैं, स्क्रीम को देख लेते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे ओपी सर नॉक यहाँ पे दिला दिया, इनके दो बंदे मर कर चुके हैं, ये लोग भाई रश मार रहे हैं क्या करें हम लोग को पता नहीं। यस गाइस यहाँ पे पुश मारते हुए हमें दिख रहे टीम 16 के बंदे सीधा घुस के मारने की कोशिश करने वाले। यहाँ पे स्मोक के कवर डाल दिए गए हैं भाई बंदों के लिए एंड भाई बंदों को अटैक पूरा किया जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या फिर होने वाला है। फिलहाल के लिए बंदे एक के पीछे एक अटैक कर रहे हैं एंड द स्पोर्ट्स के बंदे भी, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे द स्पोर्ट्स के लीडर भी अकेले, बाकी लीडर भी यही पे स्टोनर को यहाँ पे बचाना पड़ेगा अपने साथी के। स्टोनर ने स्मोक डाल दिया, मॉरिस एंड स्टोनर इनके ऊपर अटैक आ चुके हैं, मॉरिस को यहाँ पे नॉक दे दिया है। गिराते हुए यहाँ पे स्टोनर को पास में और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे एंड भाई डिसएडवांटेज से मर जाते हैं यहाँ पे टीम हैशटैग लोअर। भाई एक ग्राउंड नहीं था अच्छा खासा फिलहाल के लिए इनके पास में, इनके सर के ऊपर भाई बंदे मंडरा रहे थे एंड ये अटैक हो चुका है। टीम जीएनआर यहाँ पे आराम से होल्ड करती हुई, आरओ रॉक्स के बंदे यहाँ पे इनके नजदीक में, बट यहाँ पे ये तकलीफ दे सकते हैं इनके रोटेशन के लिए। फैंग को यहाँ पे स्पॉट कर लिया है, वैट 69 नहीं अटैक कर पाएंगे फिलहाल के लिए बंदा। यहाँ पे वैट 69 को आगे बढ़ना पड़ेगा, बंदों को यहाँ पे पुश बैक करना पड़ेगा। वही बाजू में भाई बंदे मार रहे हैं एक के पीछे एक, मेरे को लग रहा है कि यार टारगेट स्पोर्ट्स के बंदे भी यहाँ पे अटैक करने की कोशिश पूरे करें। नेर के साथ में इनका साथ ही एक मर जाता है, कार्तिक यहाँ पे नॉक हुआ गया है। देखते हैं क्या होने वाला, कल नायक ने वापस से एक स्मोक डाल दिया अपने लिए, वैट ने एक ओपी से नॉक निकाली है अपने बंदों के लिए। और देखते हैं एक टीम के लिए बहुत ही ओपी से खेलते हुए कार्नेज के लिए, बहुत ही लोग कार्नेज को जोन में जाना है, कार्नेज जोन में चले गए अभी ये जोन 41 सेकंड का जोन है। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे जाने वाले हैं बंदे अंदर, ट्रिगर अकेले यहाँ पे भाई भाई बंदे मारते हुए कार्नेज अंदर घुस गए एंड अंदर घुस के यहाँ पे मार दिया टीम रॉक्स को। वहीं पे देखा जाए तो भाई ऑन टॉप के बंदे नाव दिया फाइटिंग हुई टीम एफएसएम एंड निशान को भी पता है कि यहाँ पे इनके नजदीक में बंदे हैं, तो निशान लेटे हुए हैं। निशान को पता है कि भाई राइट साइड से यहाँ पे इनके ऊपर हिट्स आ सकते हैं, तो निशान ओपी से तरीके से यहाँ पे लेटने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होने वाला है विथ निशान एंड हिज टीम। देखते हैं यहाँ पे ऑन टॉप के बायोनिक एंड टोक्यो सब लोग बाकी यहाँ पे बूम बाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाजू से यहाँ पे अटैक्स आ रहे हैं गाइस। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि भाई जीसी के स्क्रीमी जो है वो भी ओपी से खेल रहे हैं अलॉन्ग विद नरूटो एंड भाई ये लोग फिर बूम बाम कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे इनको जोन में जाना है, जोन चालू हो चुका है और यही टाइम है इनको जोन में जाने का। इनके पास में एरिलिन थ्री जिन्होंने मार ली है, स्क्रीम आ गाड़ी में बैठ चुके हैं, गाड़ी चालू कर दी है एंड जोन में जाते हुए हमें दिख रहे हैं टीम नंबर 16 के दो बंदे। और देखते देखते मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे शायद इनके ऊपर हिट्स आ सकते हैं, एक अच्छा खासा पोजीशन होने की कोशिश कर रहे हैं। वही बाजू में यहाँ पे टीम एफएसएम भी आ चुकी है एंड जोन में आ रहे आ चुके और ये बंदा भाई पीछे से आ रहा था, टाइगर स्पोर्ट के ऊपर अटैक दे दिया, खलनायक को भी फेल दिया गया, पर ऊपर से बंदों ने यहाँ पे भाई खत्म कर दिया ऑलमोस्ट, यहाँ पे गाड़ी फोड़ देंगे शायद से।
टीम जीएनआरबी यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। स्मोक से कवर यहाँ पे देख लिया, एफएसएम अटैक करने की कोशिश कर रही है और टॉप के बंदे भाई बायोनिक ने ओपी से कवर ले लिया है अपने बंदों के लिए। शॉन जो नॉक थे इनको रेफ दिया जाएगा शायद से, यहाँ पे स्मोक का कवर शॉन के लिए आता हुआ और देखते देखते यहाँ पे एफएसएम के बंदे भी धीरे धीरे होल्ड बना रहे हैं एक जोन में, अच्छा खासा होल्ड बनाते हुए। टीम ऑन टॉप भाई जोन के अंदर ही है अभी, ऑन टॉप का कुछ करना नहीं है फिलहाल, ऑन टॉप को सिर्फ मजे लेने हैं मेरे को लग रहा है यहाँ पे बंदों के। वही पे वैरिक्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जिंदा है, टोक्यो भी यहीं पे है गाइस, एक अच्छा खासा डाउन, एक अच्छा खासा एडवांटेज पकड़ते हुए गाइस, बहुत ही ओपी से यहाँ पे वंकल का एडवांटेज पकड़ते हुए अगर हम लोग देखे तो ऑन टॉप के बंदे हमें दिख रहे भाई। ये बंदे ने मार दी भाई, ओ मेराट्रॉन यहाँ पे अटैक कर रहा है, मेराट्रॉन जोन के साथ में मर गया गाइस, मेराट्रॉन जोन के बाहर मारने का कोशिश कर रहा था गाइस। डीजे आगे बढ़ रहे हैं शायद से, मेरे को लग रहा है डीजे को यहाँ पे पिक ऑफ कर लिया जाएगा बाय ये मास्टर, एंड बायोनिक भी यहाँ पे हिट करेंगे ये मास्टर को। मेरे को लग रहा है यहाँ पे वैट 69 को आगे बढ़ना पड़ेगा, वैट 69 यहाँ पे कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे ऊपर से भी अटैक आ रहे हैं यहाँ पे, वैट 69 यहाँ पे रैप देने की कोशिश कर रहे हैं। टी एन एस नरूटो को यहाँ पे पिक ऑफ कर लिया गया है बाय हेड शॉट, डीजे नॉक पड़े हैं भाई, बैनेक्स स्पोर्ट्स के बंदे होल्ड बैक कर रहे हैं, इनको पता है कि ये लोग जोन में है तो भाई आगे क्यों जाएंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पे यही इनके लिए अच्छा खासा सिचुएशन रहेगा। शॉन यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए बंदों को, एक अच्छा खासा किल लेते हुए बंदे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जोन यहाँ पे अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, जोन यहाँ पे भाई धीरे 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 यहाँ पे बंद हो रहा है। वैट 69 को पिक ऑफ कर दिया गया, शॉन को पिक ऑफ कर दिया गया, मैच अकेले एंड फिनिश ऑफ करते हुए यहाँ पे टीम जीएनआर को, वैनिश स्पोर्ट्स वहीं पे, वैनिश स्पोर्ट्स अच्छी खासी होल्ड कर रही है। यश भी यहीं पे, एक बंदे को यहाँ पे पिक ऑफ कर लिया यश ने, एंड यश को यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा पीछे में। ऑन टॉप के बंदे भाई बहुत ही ओपी से यहाँ पे होल्ड करके बैठ गए, इनको पता है कि बंदे यहाँ पे इनके राइट साइड में, पर एग्जैक्टली कहाँ पे पता नहीं, बायोनिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बायोनिक की हेल्थ लो जरूर हो चुकी है बट इनको जाना पड़ेगा टीम वैनिस के पास में क्योंकि जोन तो वहीं पे है गाइस। ऑन टॉप के भाई हेडशॉट को देखा जाए तो भाई हेडशॉट यहाँ पे गाड़ी लेके निकलने वाला है शायद से, नहीं डाल दिया यहाँ पे, बायोनिक फूट जाएंगे, बहुत ही ओपी से नॉक निकाल लिया है बायोनिक का, मॉली भी डाल लिया यहाँ पे टोक्यो के ऊपर। अभी भाई इन लोग का जो एडवांटेज था वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो चुका है, एंड निशान को यहाँ पे स्पॉट कर लिया जाएगा, यहाँ पे निशान को पिक ऑफ कर लिया जाएगा, एंड टीम वैनिश स्पोर्ट भी वहां से अटैक कर रही है, वैनिश स्पोर्ट ने यहाँ पे निशान का किल भाई ले लिया है, यश को यहाँ पे भाई पिक ऑफ कर लिया था। टोक्यो भी बाकी है, टोक्यो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो चुके हैं कि लेफ्ट में हिट करे या राइट में हिट करे, टोक्यो के नजदीक में बंदा हेडशॉट यहाँ पे धीरे धीरे अंदर आने की कोशिश कर रहा है, क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे वैनिश के दो बंदे यहाँ पे एक साथ आ चुके हैं, यश को पता है कि भाई वहां पे बंदे हैं, ये नेट डालते हुए बहुत ही ओपी सा, क्या ये फोड़ेगा बंदे को, नहीं ये मॉल डाल देता, बायोनिक यहाँ पे जोन के साथ मर चुके हैं। और देखिए यहाँ पे भाई रीपर को यहाँ पे नॉक कर दिया, हेडशॉट यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, एंड ये फिनिश ऑफ कर दिया भाई, खत्म हेडशॉट को खत्म कर दिया, बट भाई बट टोक्यो के अलावा टोक्यो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और ये भाई अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, टोक्यो भी होने वाला है 7-6-2 वर्सेस टोक्यो, अभी ये हिट होने वाला है, एंड टोक्यो ने फाइनली यहाँ पे ले ही लिया ये वाला किल, बहुत ही ओपी सा किल के साथ में यहाँ पे ऑन टॉप के बंदे आ जाते हैं वापस से ऑन टॉप बूम बाम करते हुए। गाइज आप लोग बताइए जरूर कि आप लोगों ने क्या ESP लगाया क्या ऑन टॉप, क्या मतलब क्या ब्रो ESP लगाया क्या बहुत ही ओपी सा यहाँ पे चिकन डिनर निकालते हुए टीम ऑन टॉप बहुत ही मस्त खेलती हुई गाइस, गेम सेंस एंड गेम नॉलेज बोलते गाइस, बहुत ही ओपी सा यहाँ पे गाइस जो एडवांटेज इन लोगों को मिला था जो बंकर्स के अंदर ये लोग रुके थे वहां पे भाई रुक के बहुत ही अच्छा दिमाग चला के टोक्यो ने परफेक्ट टाइम के ऊपर बाहर उतर के हिट्स ले लिए एंड अपने टीम के लिए एक चिकन डिनर लेके आ गए। सो टीम ऑन टॉप विद एन ऑसम चिकन डिनर टुडे इन मिरामार। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वापस से। अगर आप लोग हमारा T10 का गेम प्ले देखना है तो आप लोग होल्ड कर सकते हैं, आप लोग वेट कर सकते हैं, इसके बाद में हमारा जो तो कम्युनिकेशन होगा वो होने वाला है मराठी में, तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो यस यू गाइस आर फ्री टू लीव, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन गाइस एंड आई लव यू यार, क्या ही बोले, क्राइसलर ओपी ऑन टॉप लिट 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 आई ये भाई बूम बाम लिट बोलते भाई भाई फुल लिट। तो गाइस तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू आसल विश अ गुड नाइट विद ड्रीम्स, टेक केयर एंड स्टे सेफ एवरीबॉडी, मिलते हैं कल वापस से, कल नहीं एक्चुअली परसों गाइस, परसों मिलेंगे, कल हमारी स्ट्रीमिंग नहीं रहेगी, परसों से हम लोग होने वाले हैं वापस से रेगुलर, एंड अगेन आप लोगों को पता ही है गाइस बीच में एक दो दिन हम नहीं रहते, काय बोलते आइए भाई काय बोलते, ये देखा भाई तेरा अकाउंट दूसरा है ब्रो, छोटा आईफोन ईएन तेरे प्रॉपर अकाउंट से साले अरे भाई क्या ही बोले, डॉक्टर आईला हे चार्जिंग फोन झाले आजच्या गावात,
ओ गाइस, आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे गाइस मार्कोस भैया जो थे वो हमें साथ में मिले थे। मार्कोस भैया एमवीपी, मार्कोस अगर आप लोगों को पता है तो एमवीपी स्पोर्ट्स पीएमसीओ फाइनलिस्ट, ये हमें मिले थे एक्चुअली शैनॉक में। हम साथ में खेल रहे थे, फुल बूम बाप कर दिया था वो टाइम में, क्या ही बोलेगा इस, बहुत मजे किए थे। आए जूनागढ़ ला सुन आगे, हेलो हेलो हेलो, चेक मार चेक मार चेक। अरे हाँ इतने, अरे कटे गेला तू आनते आनते तू आई आना सोते ना तू। उद्या आंटी, उद्या आंटी कड़ी भेटी नहीं, कस मेलते अच्छे गेलो कसं, मग मी मागितलं पाय मला उद्या, मला ऍक्च्युली ना आय वन डे यामध्ये पाय रे, पण चांगले नाही मिळत मला, काय दे मला कैसे चांगले नाही यार। मिळत। मी म्हटलं बरं, मला तुला येते का आवाज आता बरोबर? हाय जाते थे हां मी तुला आणतो का, मला ऍक्च्युली ना वन डे डिलिव्हरी पाहिजे रे, कारण मला आता थोडे माझे वाटतात की थोडे येदवा लागले, लाईक रिस्पॉन्स नीट नाही आहे। अच्छा। अरे माँ तू एक कट्टी केला है, मारा क्या फायदीस नहीं रे, एकस में आले भाई क्यों रे कट गेला? अच्छा ते मज एक मस्त वाले बलून दे दे। बनू ना का, बनू ना का, डैड इन टाउन कोटे था फील्डर कोटे दॅडाने तर खेळतात रे, दॅडाने तर ऑलरेडी खेळायला लागले, त्यामुळे चौथा नात व्हिडिओ कोडत का बघ। जू सर बिग फॅन, आय ये क्लाउडी सर डबल बिग फॅन ब्रो। चालू कर। कौन ने चाय ले यो, कौन कौन ख्याल रख रहे बो, डोप कर्मा रियान ग्राफ लेकर नहीं। कोण उद्याला? हा ये ना मी ये नाही बघितले सो एक गोल गेम खेळू सर दोबारा, मारतात। हा ठीक सर 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 चल बुम्बा, चालू कर चालू कर। नहीं कोण होत का नाही का लिबिकच का? नहीं प्लीज भाई भाई भाई, गॉड सा मेंबर है भाई, गॉटेड कौन है? गॉडलिंग मैं आ रही, मिर्ची को डाला भाई। तू टाइटन्स यूज़ वाइटी क्यों नहीं किया? टीएनआर एक टाइटन्स यूज़ वाइट पे गया। ओ गॉड कॉमकोरर, कॉमकोरर बोलते हैं। वो पे गया, हाय तुला आग लागल्या काय अंगाला भाई? मी बघत होतलं, थांब कर कोणी ना नाही, 2 सेकंड 3 सेकंड, मी अटला वाट नाही, लागो तू मी मिडल होतला, मी बघत होतो रे, पण पब्लिक नाही आली वाटते नाही कोण नाही आले तर आले। आईला ते फालतू रे ब्रो, कट रे पे गया। खाली एंडिंग बुझ उतरलो कोण,
और सरजी क्लाउडी सर किधर हो ब्रो, वेयर आर यू ब्रो? ओहो अरे बॉट है, नहीं तो भाई प्लेयर है दोनों में से एक। प्लेयर नहीं। नहीं गुते चैनल पार्टी लोग एड़े थे भारी है ना थे मुझे लीग पेंट मस्त है थे कुंडा हाँ ते बाप है। सिक्सटी नाइन सब्सक्राइब आज लॉक कर गया स्ट्रीम बंद के लिए। कहते और स्ट्रीम बंद लॉक है कर के लिए? दिया स्ट्रीम स्ट्रीम चालू है, स्ट्रीम चालू है। हाँ चालू है ना। बटाटा बाय बाय सी यू हांग ता दो टाटा बंदे जाना मराठी ये समझते नहीं, क्या उनके थामती ना ओके ओके समझ लगा। तीन तो है I got supplies. ओके तो माना एग्जैक्टली भाई मां 2 मिनट लगते, 1 मिनट था मैं माना जरा पैसे ज्यादा है। अरे ओके okay। आला कोई तो मैच खेला दे, कोई था एक मैच था भाई बगे का पूरा स्लॉट बैटल का। अरे हाँ ऑफ कोर्स करो।
రన్నింగ్ బెటర్ సెకండ్ లో బెటర్ ఆఫ్టర్ నల్ల తీరు టెన్ కప్ ఏ గా కొనిచారి టెన్ కప్ బరా కొనిచారి థాంక్యూ కొనిచారి కేన్ కా హంచిలా అత్త ఉదేలా తీన్ నా చార్ లా ఆ అరే ఉంగా కొనిచలా హాంగ్ తే సారీ టు క్వినిట్ ఐ దొలి మే హంగార్ తక్కి గాడి उतर लो उतर लो मादर पार्ट दो को उतर ली धीरे धीरे एक एचपी मीन पर एक किल था ऑलमोस्ट एक नहीं मुझे ऑलमोस्ट किल था आया था मस्त कर नॉक कर विदेक है दोनों दोनों दिला का गाड़ी आणली आपल्या करता मस्त वेगळी घू खात काय ते आई पाडला मला पाडला मला मला वाटतो वाटे कदर हाय ओ वाटले वरती ते का आटे पण भाई गु हो गिते यो हो गिते बेकार मारते व्यू तो एफएसएम हेडशॉट अरे भाई ओपी ना भाई एफएसएम भाई बंदे जो कस्टम में खेलते हैं उनके ऊपर क्या ही व्यूज देने के प्रो सिंपल सी बात है चायला ये बघा करते आपल्याला चार नंबर खपिले का फेकत नक्की टाइम आला आहे आठला हा ओपन मध्ये मारा तू परत गुखा लगे एक दिन मर अच्छा काय काय करतात माहित नाही भाई एक मिनिट थांब
आइए गाइस, डॉक्टर इज हियर। जी व्यूज इज जीएनआर हेडशॉट पॉसिबल? अरे ब्रो, वी वुड लव टू टेक यू इन आवर क्लैन, बट सी प्रॉब्लम ये है ना कि लाइनअप्स ऑलरेडी फुल है यार, ऑलरेडी तीन लाइनअप है ब्रो, तीन लाइनअप है। सो आप हमारे क्लैन में आएंगे जरूर, बट फिर आपको पुश करने नहीं मिलेगा, लाइक लाइनअप पे खेलने नहीं मिलेगा, फिर लफड़ा हो जाएगा, और कोई इशू नहीं है। यस ऑफ कोर्स, आप अपना दूसरा आईडी से आ सकते हो अगर आपको आना है, अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो तो हमारा क्लैन में ऐसा यार, यार हम लोग कभी किसी को ना नहीं बोलते है ना यार, बस मेरे को तो बोलते हो ना यार। हाँ तुम्हें बोलते हैं क्योंकि तुम कॉम्पिटिटिव खेलते ही नहीं हो ना। कॉम्पिटिटिव खेलो ब्रो, कॉम्पिटिटिव वालों को क्यों ना बोलेंगे ब्रो। तुम्हें साला क्लाउस ब्रो, जीएनआर एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट द मेन थिंग इज कि तीन लाइनअप ऑलरेडी है यार। गाड़ा होल्ड लो अरे डुबची डुबची डिचू मारतात, नाही नाही अख्खे डिचू मारतात, डाडा जाऊ नका माना माय थे हां ते डिचू मारत अखी तू रैकेट मैच कर रहा है। ओ डाडा तू रैकेट मैच नहीं तो ओ भाई, ओ डाडा प्लीज। अरे भाई आई प्ले सब्स्टिट्यूट। अरे ब्रो आई वुड लव टू टेक यू इन द क्लैन यार, ऐसा कोई सीन नहीं है, बट यार सब्स्टिट्यूट पे भी आपको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखो ना ये सब लोग यही पे है ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट में, और कोई इशू नहीं है। आपको आना तो आप आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ओय ओय डाळा, ये पेगा डिचू मारीन तुला, मला माहित आहे शेवट शेवटात डिचू मारीन। गाइस पब्लिक आली, गाडीत चान्स आहे, समोर न पेल तीन होल्ड कर, फुल ट्राय केलं तुला वाटवाला। होय यो क्लाउड कडे उतरलाय डाडा, तू कडे उतरलाय कट झाला। अरे मी तरी काय करू येडा, मला वाटते का बोलते त्याला का मॅम, अरे हेल्मेट नाही, मला हेल्मेट घ्यायला लागेल। पेगे तुला मी हांगतील घुस घुस घुस। अरे भागरे ती शॉट गोर होती मग काला, मग गाडीला घुसला का? अरे मी घुसला नाही, मी कटच उतरला खाली। डॉक्टर राइट ना, लेफ्ट ना, लेफ्ट ना, लेफ्ट ना, टू साइड ना, होल्ड कर। तू नका येऊ, ओय गुखाला गुखाला, डॉक्टर मागणं वाला रे, ओय हट टडा। ये ना साले, ये ना, ये ना, हम क्या घबरता है क्या? आइए कोपरा बोलते कोपरा, आइए कोपरे कोपरे, ओ देवा देवाची ती थोरी, काय कोपरातन पेलले रे, काय कोपरातन पेलले रे, काढा गे गंगे
चाले ये ते ते मियाले मारा जन काय ते नुसते एच टू एच भाई काय ते नुसते एच टू एच हिट केले लॉल मी ऑन टॉप बायोनिक प्रणव अरे भाई साल्या मेरा वार एम सैक्स हो गया आज तो अरे भाई एक नंबर हो गया था मेरा वार का नाइस किल बहुत मस्त खेले ऑन टॉप स्टार्ट मेकिंग पॉइंट टेबल ऑफ अरे आई वुड लव टू यार पर तुम लोग यार इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ना फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग वन वीक के लिए रजिस्टर करोगे ना तो वी वुड लव टू यार एक्चुअली मेरे को नेस्टी ने वही बोला था कि पॉइंट टेबल बनाएंगे हम लोग और उसके बाद में फिर एक करेंगे ऐसा एक सीन है करने के लिए बोला था नेस्टी ने देखते एग्जैक्टली क्या होगा अगर आप लोग सब लोग अगर आप लोग को चाहिए पॉइंट टेबल तो यार पॉइंट टेबल भी बनाएंगे यार बूम बाम भी करेंगे अपने इंस्टा के प्रोफाइल पर अपलोड करेंगे फुल एकदम तगड़ा वाला क्लाउस को दिखाओ क्लाउस टट्टी हो गया क्लाउस मर गया साला क्लाउस धीरे धीरे क्लाउस अभी आने वाला है भाई धीरे धीरे अभी इसको जीनर में आना ना तो बोलता है कस्टम के स्लॉट बुक करो हमारे लिए बोलो भाई तोड़ेंगे भाई तोड़ेंगे चार्टर केडी वाले को भी मारेंगे हम लोग अबे यो का सीन था अरे अटैक कौन था भाई यको उड़े चल 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 मिर्ची मिर्ची योर इन गेम नेम माय इन गेम नेम अरे एफएसएम हेडशॉट ब्रो उनका प्रणव का बायोनिक एफएसएम हेडशॉट कैन आई प्ले विद क्लाउड प्लीज हां ऑफ कोर्स ब्रो क्लाउड इज अ इंटरनेशनल प्लेयर वो सिर्फ इंटरनेशनल स्ट्रीम खेलते हैं फॉर एग्जांपल आरआरक्यू वेगेट्रॉन एक्सक्यूएफ नोवा इनके साथ में खेलते हैं पीएमजी से प्लेयर ओनली उनके बिना नहीं भाई पब्लिक है समोर कुत्रा रखे मारा लागले पब्लिक एक दोन किल तरी मिळते एक दोन किल मिळते मित्र कोपरात चालला म्हणजे काय आहे हिट केलं तर मरणार नाही माणसा कटे एक खाट साली येत नाही ना कटे ओ बो 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 पेगे बो पेगे काय नॉक बघितला का मार मार क्लाउस मारून टाक दोघांना कम ऑन वन विथ टू ये हमारे क्लाउस एडीएस हो गिला ना एडीएस हो गिला एडीएस काढ लाग रे भाई क्रॉसर उठाओ ना क्याला एडीएस काढते हो रे क्लाउस मर गया भाई क्लाउस पीएमसीओ ने ब्रो पीएमजीसी रेडी कर बेगे आकडे गेला बस को जितला का पहला अटेम्प्ट पहला मैं शॉट परंतु रेलता इंडिया टन में ऐसा तो होते लपुन रेलता यो स्टेरिंग मंदे सोता ना कंटिन्यूस हाँ भाई चोकस्लेम चोकस्लेम त्यानंतर ट्रिपल एच भाई
लेट्स तो कब तक आएगा फिर? गो। ट्रेन सर दौड़े ना सला तक काम ट्रेन लगा सर के सला सला काम धंधा लागला। माना वडून अख्खे कामाला का फटाफट अडीच पडली खाट चाली। मला हंसल ना गव्हर्नमेंट जो मनाचं तुम नाही काय करते सारे भेंडी काढ ना तोंड काढ ना चायला कोणत नाही का मेन मीटिंगला हट फालतू रे झाली अडे मी वेट करतो। डॉक्टर बोल ना कोण आहे का आपल्यापर्यंत नाही ना आपल्याला काय माहिती। हो पेग्या मेन बिल्डिंग ला टॉप फ्लोर राइट साइड ला लेफ्ट साइड ला एक्चुअली बघा जाते मायमरे हेलमेट ठेले बघा टॉप फ्लोर ला आला एक मदरपट बादला पण एक आहे राइट साइड च्या बिल्डिंग ला मेन बिल्डिंग च्या चल तरी बे किया किसको नॉक करेगा बे आइए बू बूम बूम उतारे अब जरा ये थे लोकर अरे हिट जाना था ना गाइस हिट जाना था ना ठीक है मलाट लोकर 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 रहते 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 अटने एक रहते डॉक्टर दीना अटला रहे अटे 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 हाँ डॉक्टर रहते लोकर फूटला मेला मी अरे मेला मी मेला जड़ा चला तबला हेल्प कर जड़ा चला क्या कर सकते कर फोन कर डॉक्टर जा रहे कर मारे रे ये दे हेल्प दे भाई मेरी हिट डिल जड़ बे कर हिट देते देना ठीक है फालतू करी डोक्या वरतीच आहे थांब 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 थोडं थांब गे थांब थोडस या हॉटेलला बूम बाम करून दे पेग्या तू कटला जाते रे कटे खाली उडी मारली त्यानं आयले ते कॉल असून भेट कार नाही ते दी आहे दिन चालू आहे भाई आप पीसी कितने आपका पीसी कितने का है? मेरा पीसी ब्रो सस्ता वाला है मैं पीसी नहीं यूज करता हूं मैं लैपटॉप है ब्रो मेरा पीसी है ही नहीं मेरा लैपटॉप है लिनोवो का लैपटॉप है वो भी भाई चाइनीज ब्रांड है एकदम मेड इन चाइना वाला पर चलता अच्छा है तो तुम्हें काय झाले कोण आहे वो डॉक्टर तुला झाले काय कोणता आलाय रे एक किलो मला नाही मला भेंडी मी नॉक केला तो रेप झाला रे एक खाट चला मग क्या कुछ भी ठीक है क्या रे फुकट से किल कैसे काए ये तो ज्यादा काए से छोड़ दूँ क्या नेक्स्ट टाइम तेरे को देखता हूँ चल नहीं घुसा पुढे गाडी बघ तू तिथला हाय गाडी गेली का गाडी बघली तू कोणा काय बॉटे होते आई जो लू नॉक कर वॉट है मैं तो लक्की बॉटल सैन का बहू बॉट करता करता पॉट डाला बहु
हिट दिला है बेकर मागे मागे हमार क्लाउस हमार घरा घुसला भाई मी आटला हाफ झालता कवर घटून जाता मी आलता तुला कवर देतो पे मी मागच्या मागे आडवता केलता म्हणून क्लाउस तुम्ही मारला खरा ये केम बोसड गन है रे बे छो अकडे मिलो ला वाट आईना तेला पोदरी मिगेल गनी हट ने पाई ये केम उजीन कार्ड मार ली रे ब्रो वादरे वटे उदा कस्टम ला उजी वर ली एकडा मला तरी तेच वाटते बंबो डाडा काय काय करतोय जरा छूते अपन दी का ना है ये कि हम भेंडी पीजी मैं मेरे बुद्धि होती है बुद्धि कट ना मारू कांड इतना मारू का बुद्धि वाला लाम लगे ना मैं ये पढ़ लूँ मैं स्विच कर कट ला वॉच आउट हम गाड़ी कहाँ रखा नहीं यही गाड़ी है चला मार्क ना आते थे सेंसी परत के यानी सीरे अरे तो लो कौन है सेंसी आवाज़ तो तैयार सेंसी है कोड के अक्षय के सेंसी बॉट का या फिर गेम में तो फिर तो ताया मिक्स जा लगला है अरे तो एक मार को तो मेरा ये तो एक बस एक आईडी ते का तो तो दबोर पन दो यत्नों का तो पेंशन अड़कल ये बढ़ गई गाड़ी अरे वर्थी पने क्या मार्क द लोकेशन ये तो मार लो अट्टे अरे कोई तुम चार आले दे नहीं अपना फैंग मार लाना थोड़ा मागे डॉक्टर मार रहा है डिस्ट्रिक्ट देख एक नंबर करा कुछ ले भेंडी तो नॉक पर क्या पड़ लेते टोटल नॉक पड़ला या करा मागे मार्क द लोकेशन मेले दादा नॉक केला काय माहिती टेनस कॉल फ्यूर गेली अशी आहे डॉक्टर बघू किल पॅट ना त्याला शूटी तोटे आले कोठे आले देखो राव बगरी का बोलते हां मैं आला सेफ्टी में आला देवा दुनिया घर आला जाडाला में आला तो ओ भाई दुनिया घरला सुना हॉलो बाबा आपण नंतर खेळू थोडा फ्रेंड्स रे खेळते ना मी दादांचे रे खेळते मत वरी खेळते ओके वार रे दादा वार ये पण निदल सल्ला सल्ला का हां मैं ये हॉलो ये ओ डाडा ये रे उदा का डाडा थारे क्या रे क्या डाडा दानो करे एडा बोली दे
લડા મોટે ભૂખા લાગલે ઓ લડા આદ નહી તો ઓય સોરી માઈક બંધ હતો સોરી સોરી કાય માણો છે એડા યો મંગ ઓવર ટાઈમ યો એડા કા બોલતો આટી નો નો કો લાવ એડા લાવ નો કો કરો છે એડા કોડા પોટલા ભાઈ દેખા અટલ લાય તટલ લાય ઓ એડા પ્લીઝ રે ઉતા કા શેર રે એડા મિટ લગાય ને મારે કા મિટ લાંતે ભાઈ તું સાબ એડા પણ નથી આવને આછે ને બબ એડા મિટ લગા સાંતે આપણ 5 વાગે બંધ પબજી ખેવું હમ ના ઓય કટ ગેલે રે ડોક્ટર કટ ગેલે પબજી આ ખેવું ओ भाई अका काना कोपरला फिरला मेटे कोणस ने भाई मरा आदर के बॉट नहीं 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 एक प्लेयर है गाड़ी ज्यूस व्हाट्स अप मिसेस टाइटन ज्यूस क्या हाल चाल कटला गेला गाड़ी घेऊन चला मारसे चला सोडी ती हे गाडी शोधा लागलो हरी पा हरी पा नहीं रे प्लेयर अरे मैं ओपन में चला तेरे मारने वो मिसी टाइटन ज्यूस लाग का ट्विटर वर भी ट्वीट के लेते लाइक करा ला ट्विटर वर ट्वीट करा ते लाइक करा आंटी पण तुला काय नक्की ट्विटर वर तुला काय पाहिजे केला ती प्रोफाइल शेअर करा ना रे आज रे मला ट्विटर चालू करायचं 1 मिलियन ट्वीट्स ओए 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 मारते बा कोठे मारते तुला थांब नाही थांब थांब मार नका एवढा कोपरा दे का मार लेफ्ट मार अरे लेफ्ट मार गड़ा टट्टी गिर ना करू टट्टी गड़ा नॉक कर पे मजा आ पाला पाला ओ गाड़ी क्यों दी पार्ट करना ना मारना नहीं यानी मेला साले मार लो उसको ना मारा कटे पाला था गड़ा मारा पड़ गया मारा पड़ गया तेरी चोर मार्क तो करनी अरे नीट मार्क खेलता ना कोई दो मार्क निकालेगा क्या निकाले तो हाँ दो मारी थाम थाम तेरा मजा है थाम खड़े दिला का दिला का दिला ओबक 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 पेगे ओबक पेगे ओबक डाडा को मारेगा डाडा को मारेगा यार फिश मार ला फिश मार अरे फिश मार ना डॉक्टर डॉक्टर लम्मा आला दे ये पाए अरे मैं नेट काट लो अरे नेट काट लो अरे मैं नेट काट लो यस मैं किल सॉरी ला ना मैं समझ सकता हूँ अरे डॉक्टर भी पैन मार को समय दे का अटैक सीधा मार दे मोर्डन दे बिन फायरिंग दे दी तब फट के तू लगे दिलो यार ओ भाई गेला रे तो गेला हॉलो गेला पेगे एक है ओ पेगे ओ यान खेलत नाही ओ सॉरी खड़े गेला यो पता नहीं वो क्लैन ओडा से माला अरे जूस सर हम मेरे भाई मेरे को क्लैन में खेलेंगे तू यो क्लैन होड़ीन तवास कनी गेम कनी मी पण यो तो ग्लोबल है कथा होड़ू दगा ये तो ग्लोबल अकाउंट है ना नहीं नहीं मंगा आये फटो 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 अरे पण यो ग्लोबल अकाउंट है ना तू नहीं ग्लोबल नहीं अरे अरे बितला हांते ये तो ग्लोबल अकाउंट है टाइटन क्लाउस थे अरे, अरे कोणते या हम नाही रे ग्लोबल वाला नाही मतलब कटना पाठवू रिक्वेस्ट मी क्लॅनची हांगू मना मेल पाठवली बघ दैट क्लॅन मेल इनव्हाइटेड पाठवली डॉक्टर नाही आली कोणाला मतलब मिथला हांगते ना टाइटन क्लाउसला पाठवले मला इथे काय लगा योर फ्रेंड हैज बीन इनव्हाइटेड दैट फ्रेंड हैज बीन इनव्हाइटेड अरे अकऱ्या क्लॅन मध्ये जा पहिले क्वेश्चन अटला यामध्ये था इन्व्हेंटरी बदलला इन्व्हेंटरी या बाजूला हां यहां से क्लिक कर क्लॅन वरती क्लिक कर न रिक्वेस्ट आले बघ हां मग क्लिक करने एक्सेप्ट कर नाही नाही तू त्या परत त्या क्लॅन मध्ये काय घुसला उतर बाहेर उतर कोणता अरे सिंक कर मी मेन्स किया
होते। अरे ओ भाई मतलब मैंने नहीं लगा था, मतलब इनवाइट करते। बताओ ना That friend has been invited IQ with already. चल रहे हो तेरे चल अपन नंतर आपला नहीं ते टाइम पास हो चल 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 मारा ते ती मीजो ये परेशान कर तो ये लोटे Alright, let's go. Boom shakalaka boom 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 boom. वो डॉक्टर तीन ना चार सा उद्या डॉक्टर बोल ना तीन ना चार सा काय चार सा कोणता मैं पण नाही बिलो यूस काय चार सा कोणता ये चार ओ क्लॉक सा मैप है मिरामार मिरामार डाउनलोड करून ठेव डॉक्टर ना मी एबल आहे तुम्हाला आयडी पास द्याला मी हाय रे बट मी तीन ना चार था बघे एबल बघते एबल ना आंसर बघते यार क्रोनोस लगे क्रोनोस ना पब्लिक उतरे उतरली का पेलोड आहे रे ओ भाई यार ना वाले कोणा अरे मंगा एडे आपला तो आया था वाटला का रॉयल पास वाला है तो हॉलो पी एला काय रे अच्छा हांग नाही त्याला बाबा रॉयल पास घेतलाय त्याने या गेम बघा करता मला स्वतःला मेड करायचं कुठे पब्लिक उतरली का काय का नाही उतरली 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 आम्ही मार्क द लोकेशन अरे आम्हाला समोर आहे लिटरली ओ बघ काय फोडला ते ओ बघ काय फोडला ते लपून हा ये सोलो वर्सेस स्क्वॉड बाय लिविक म्हणजे याला काय टाइम पास गेम वाटला का त्याला माझ्याच मी येतपर्यंत पोचलाय ते बिचारा बिचारा काय 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 मारते नडा तो काय तुम्हाला बॉट मिळतात काय तुम्हाला प्लेयर मिळतात ही भाई गन मला नाकास नाका रे केवी फालतू गन आहे रीरोडला ओळी टाइम नाही ते नाही याला त्यापेक्षा ही उभी पण डॉक्टर शी आवडती गन डॉक्टर बघ ना काय बोलते काय काय बोलते ना काय बोलून जरा तसे इन्सर्ट करा ते एक गेम इन्सर्ट करा ते नाही इन्सर्ट मेरा मारा पण नाही गेम सर क्रैबड्रस ला सर पब्लिकली क्रैबड्रस ला हट ले रहा अरे श्योर ऑफ कोर्स इंसर्ट फायरिंग कट में आ गया निकल अरे बॉट होड ना दा 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 बॉट मार दा तो मैं क्रैबड्रस ला सल्ला मंगो काय खरंच तुम्ही पण रे तरी बार दया करे ते ते बस स्ट्रीम वर खेळ सुरू 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 रे कोणतरी आहे लेवल 2 चा हेल्मेट किती मस्त पिकी अरे डॉक्टर नीता आहे ना कुठला माफ करू अरे भाई तिथे अटलात का डॉक्टर कटला ब्रद क्रॅपला कोण आहे का दादा
अटेर ना अटेर बीजे मत लागो तो फाइट कर लागले सब कोण तरी एकाला घ्या लागे आपल्याला मला ऐसे लगे लेफ्ट साइड लगे लेफ्ट साइड लगे डॉक्टर तेरे लेफ्ट साइड लगे तू यार राइट लगे इतना मीन डॉक्टर लेफ्ट लगे रे अरे माया किल खिला किसी को खिले लेफ्ट लगे ना करे गाड़ी आली मार ली थी डोक्यावरती आपला प्लेयर आहे बाबा हॅलो आपण डोक्यावरती प्लेयर आहे फॉलोला बोटला मी डोक्यावरती प्लेयर आहे हॅलो कुठे गेला रे धडा मला स्मोक होऊ नाही मी एका नाही धडा होळकर कटलाय तो ठीक है थाम अरे मार्क द लोकेशन मॉल देला मिन डाला दो वो चाहे दो नॉकर टाइटल कटला नॉकर तीन नॉकर तीन नॉकर तीन वॉच आउट रिवर जा रहा गले ये का मैं तू गाड़ी को दो को मारा भी तीन चोरी थे डॉक्टर होल्ड कर नहीं गिरा ले ऑलमोस्ट गिरा आई तो चीरे काय नाही सर हां अभी तक ऑप्शन तो मावे रे मी ट्राई करता तू हेल्प कर दो ते डॉक्टर ला एम्पर जाऊ मी नाही ओ भाई लेट्स गो मला दे ना भाई ती डॉक्टर हा ती अख्खी धुनी गाणी प्लस अख्खी आपली माय 1 2 3 अख्खी जवळी आहेत ना त्यानंतर मग बीजी त्या नाव काय ते बीजा इन्सिडेंट सांगत होत्या कोणतं हे नाव इयरला मी एक बरी बरी गाणी होते होडी हा ती पण पाहत गुलाबाच्या अख्याला 8 पाट का 10 पाट ते दे दे खायला धंदा करू कटे मावाशे बस बाबा आय माय कटे मावाशे नाही आय अरे आय माय कटे मावेच नाही अगो मी हानते का मला गाणी पाहिजे ती अख्खी ऐकाशात हो बाई गन फाईट gunfight boom maaf grab grass din da ba ek pan gun ne wat lagu aya rami sala halka dp to kill di bas are mi maar di sakila mi maar di sakila o doctor maar na kayo mi darte
हो मार दे आले ना इकट साली फॉलो एक नंबर नॉक अरे ऐसे क्या सही का मामला है अंतर में सिक्स होएगा अरे ओपी ओपी तब शांत रही शांत ओ भाई ओ भाई ओ भाई बेकार है अरे कार 98 बेची मारा मैलिक गन कुंडी भाई गन फाइट ला फालतू गन मैलिक है हट बे अरे ती बाटली क्यों ना फुटली नीट अरे नेविल दा तुम केला तरी का हरकत ना मला पकड आम्हाला झाला बरं झाला आई आये सुना करला सुना गे आए दुनिया घराला सुना गे आई तच घर चाहिए पूरा हाँ काय झाले तू काय वाकडा झाला काय अरे कुठे नाही साहेब अरे ते जॉयस्टिक चेक कर अरे वो नहीं था एक है वाला वाला कोई कोई खबला मगर तो एंड्रॉइड कैसे काम आ रहे एंड्रॉइड भाई फालतू फोन है चल एंड्रॉइड कुछ भी काम का नहीं है चल चल कोई रिस्टार्ट मारो का नहीं रे ऐसी फोन तू हो पूरे टाइम अरे नहीं स्क्रीन बात जुला हो एक आकाई नहीं मैं लेफ्ट राइट करना है जा वाट लागले मजा आता था आता था फक्त खाली बोलते नाही हे करते त्याला हेडसेट परत लाव या आवाज आया की होते अरे या आवाज काय असतोय डाडा आवाज मला वाटते मी मराय मजा ओ घोस्ट रायडर हॅलो ओपी हॅलो तू अभिषेक वरती आलाय घोस्ट लाखाना मारसे ओके हा आपल्यापेक्षा वरती नाही होऊ शकत त्यावर ओय ओय ओ खपलं मी रिस्टार्ट मार मार नको रिस्टार्ट मार डाडा ना मी एका वाजता सेव जागा उठते रे लवकर रिस्टार्ट मार वाट लागो डाडा गन फाईट काय उतरलं बघलं का टेरेस वर डायरेक्ट डा कटलाय डाळा डोक्या वरती डाळा लवकर ये होय तो डाळा डोक्या वरती येण ओ पी लँडिंग वाई लँडिंग बघण काय झालं काय झालं डा लँडिंग मिळेल हो डा लँडिंग बघली का मी काय आणते मला कोणतरी हेल्मेट आहे का वाटेकडे आहे का हेल्मेट लँडिंग वाला कटे वर तुम परफेक्ट लँडिंग होती ना मना 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 हेड गय बघा ते मा हेल्मेट घेतलं ते माझं तुम्ही मला हेल्मेट लागेल एक डबल नेट काय तो मॉल टाकलं रे दादा करून टाकला मॉल तो चल रशिंग कर बोला तुला माहित
तो नहीं करते क्या? गेम ओवर का रे, गेम ओवर का। काय तो रश मारला रे, डेंजर रश होता है वो। मारा था हेलमेट में आलो, वाट लागो। ओबो ओबो क्या रे? पाया उड़ते हो? डॉक्टर खाली उतर, खाली उतर लोकर निडाल मुणुत ला बोटला खाली उतर मला कोणतरी पैसा ऐमो है मारे तो जरा होल्ड करो डोक्या खाली पण एक प्लेयर जरा माहिती मी वाटलं आहे मला काहीतरी देना हेलकेट कोण आहे मरे देना पटले थँक यू वर नका जाऊ वर पुढे प्लेअर आहे गडा तू एकटा आणि फाईट घ्यायला लागला आणि मागशार घेतात चल जायला ते दुसरा भाई दुसरा जगह ओए काय झालं मी अडकलो यार भरली का ना काय भरली एक एक व्हाट अ प्लेयर रे काय की भरली डॉक्टर फटाफट ना बेचारा मिनटे मारला रे तू विचार करतो यार मारला तरी काय आहे कोठे या घरात मार्क द लोकेशन मस्त बिगी एम घेऊन मारला बिजे साइड ना हो वाटलं एका मेरे बघितो आता परत मी पटकन चेंज करून ना फुल पेलले त्याला हेडसेट परत लावा लागला तू हेडसेट परत लावा तू आवाज बेकार रे तू आवाज वेगळा काय बस धरम का बरोबर येते का वॉच आउट डॉक्टर मार ना गबर ते का अरे घोस्ट राइडर तू तो तू मला काय त्या गावात या टिकटॅक का डॉक्टर मारतो नशीब तू यस फाइनली डॉक्टर तू नशीब रे माफी सिक्स मिनिट फिक्स नव्हता केला रे मी केला म्हणून ना म्हणजे त्या डोक्यावरती एम होता फोटो काढला योग ना बट 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 हा बोल बोल असं बरोबर येते 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 होय आपण क्रॅब ग्रास नालते का रे नाही मिळशी ना हलते ना आपण डायरे आपण पब्लिक आहे ना एकच आहे का होय काय तुम्ही हे करतात अरे माय दोन केलं तीन बॉट मारला तरी फक्त माय एक पण नाही मला तरी एक किल दे ऍटलीस्ट ओ प्लेयर माय लेफ्टला भाई आ रही जो सर प्लेयर
सामने सो रहा था भाई, धेड़ा अर्धा केला ना एक हाडा मारा। अरे भाई मी नॉक झालेन का उडी मारून, डॉक्टर दिए वाटते मी एक हाडा मारणार दोघं, डॉक्टर मारते घराचे दोन्ही करतात उडी मारली मला साहेब मला लुटी तीन घेत पेन। डॉक्टर तुम गुखाला, डॉक्टर तुम गुखाला, एक एम काढून गुखाला। पण तू केला एक एम काढली, स्कोपच नाही उघडला रे एक एम, पण स्कोप केला उघडते तू। थांब जरा थांब, मला वाटत थांब दगडा मारे थांब, त्यांना वाटलं येतीन ती गाडी बघून तेव्हा तिथे थांब 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 थांब, इझी 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 इझी, मस्त नॉक दे एक दो मारते काट बोला था खपल बाबा। अरे भाई मारो 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 दादा, तू काय रे कटला तू, थांब जरा वाटलं तो गाडी घेऊन थांब। अरे थांब वाटला, अरे आठ येतील त्या तटना आता वाटलं या रस्त्यानं गाडी घेऊन येतील, मग त्या रस्त्यावर येतील थांब। बस बाबा होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर, इथून ठेव ना तो ऐसा फुल रॅम्बो की तरह एकदम खडा रे। हां ते बघ ते बघ ते बघ, दिलं का तो आता धमाल, थांब 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 थांब, फुल धमाल फुल धमाल फुल धमाल, त्यांना बघील अग्रे तू आता हेल्थ द्या, हेल्थ मार लागला मार मार हेल्थ मार लागला। ट्रोलिंग बोलते ट्रोलिंग बोलते, अटे 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 तिप काढली त्या घरामागे राईट साइडच्या घरामागे येलो वाला तिप काढली। थांब दादा येऊ दे ना, धोम मध्ये येऊ दे ना, तुला पण रे पोझिशन चूज कर पोझिशन। क्या भाई इतने रात को खेलते हो, सुबह क्यों नहीं बनाते कस्टम? तोपू मेरे भाई सुबह कस्टम कैसे बनाएंगे ब्रो? कौन से रे कस्टम बोल रहे हो? इवन के मारा तो मस्त देना, परत 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 देना परत देना परत। अबे तुझ्या मागे एक प्लेयर अजून परत आहे, त्याने उडी मारले तो दगडा कवर घे, तू कवर घे अटलच बो बिंदास। ट्रोल कर ट्रोल कर, चम मारायला ते डान्स इमोट दे इमोट एक नंबर। आता लेफ्ट ला बघ, लेफ्ट नाही तू ड्रायव्हरला पाळला पाहता मजा आली। हिलप कर, अरे हिलप कर ना, अरे हिलप असते। अच्छा हां ठीक आहे, मार्टर तू कमी कर। लेफ्ट सा बघ, लेफ्ट सा तू मेरे इन तो लेफ्ट सा बघ। आला लेफ्ट ना तू पेला डाडा मेला, गो 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 ओपी खपो साप धमर। लेफ्ट राइट कर, पेंशन मार खट मार, पेंशन मार मार, पेंशन मार मार। ओ तू लेफ्टला अजून पर्यंत प्लेयर आहे, ओके बगीर दिस मुक्त डडा मेला डडा, वाट लागली काय बोलती आये डडा ओपन द चॅट, टाइटन खलाउस ओपी इन द चैट बोलते। कल बनाओगे क्या ब्रो कस्टम्स? कल कौन सा ले 3 AM 4 o'clock के तो होते ही है ना अपने। अरे भाई ये होता मैट्रिक था, ये होता मैट्रिक होता काय ने सर। जी 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 ब्रो जी जी हो
अरे क्या चल वो तुला मिया ले का नहीं रे मैले फिंगर्स ले आना लगते मारा मो ऑर्डर करने करते करते हाँ नहीं आज गॉड टाइटन नहीं आ रहा तो गेला थोड़ा सा मेरा है थोड़ा तेरा भू क्या चल रहा तेरे मगर साफ कर ना वो वाला पाउडर लाइट पाउडर पंखा प्लग फ्रीजर टाकून थोड़ा लगे लेता बूश मत दबा तू अरे तू स्लीव्स क्यों नहीं वापरी अरे होते ते वो तो नहीं गए खुद आए भाई स्लीव्स घेतले तेरे कोणते तू कोणते तरी घेतले करे ना यार लग किती वाले घेतले मी किती वाले हां 199 अरे भाई अरे कैसे का तीन से वाले कैसे मैं अजून पर्यंत हद किती महिने तरी माने का चल निकल ओपी 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 हिट कर तेरे हिट कर तेरे मी साला पुढे फॉलबॅक केलं त्यांचा रे अजून का पाईप फालतू किती काय रे चायला ते माहित केलं नहीं का ऑटो करने का ओ इगे 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 M4 के अटले ये भी M4 है दादा तू तो क्यों टच ले मां थोड़ो से दे दूं M4 से एमो दूं ये भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे आई गॉट सरप्राइज लग रहा है पाला कटन दे दा हम होल्ड कर दादा मागे कखा पीला भाई जीता हूं मसला मसला डॉक्टर कम बैक डॉक्टर कम बैक हम जिंदा अरे दादा ये बात नहीं तंसा तो एक तंसा तो एक प्लेयर होता है मी राउंड अप मारतोस आप लैंग बुक कसना लागला बघिल तो देन तुला बघिल तो तो वरती येतो बरं असं त्याला मारलं ते चलो ते मला असं लवकर बोल लवकर बोला मला का माहिती एकदा रेवन बँडेज मारा म्हटलं तो भरलं आहे ना मला तुमचं वाटते उलटी कर अडकवे बोलो ना ब्रो कल सुबह बनाओगे क्या कस्टम ब्रो कौन से कस्टम वो तो बोलो कल सुबह कितना बजे कल दोपहर को बनता है अपना कस्टम ब्रो सुबह नहीं बनता
की गाड़ी पटनी आईला मेरे हेल्थ तो नहीं क्या करूं भाई अंदर आ रहा है आला समोर ना हेलो आला आला चलो ना जी जी हम मजे उसे हम मजे उसे हम तो सादे सब वरना कहीं ओटे मारते हैं बड़े अटे अटे खाली 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 हाँ अटे ला अटला डोर बंद कर सकता हूँ फिर वन ऐड आया अरे भाई फिर एक ऐड आया बोलते हैं नाइस ब्रो ओ भाई भाई एक मना हेल्थ है ना वहां पर हेल्थ तो नहीं भाई मैं हेल्थ नहीं मार आई गॉट सप्लाइज तेरे चाचा के चलो बूम बम करने निकलने पड़ेगा आई गॉट सप्लाइज थाम ला थाम थाम हमसे पी लेगा तो केला मिलेगा भेंडी एक लेफ्ट हाथ ने एक राइट लगा पाटे घुसता या घर घुस अरे तू कह रहा सारा अरे भाई युगड़ होता अरे माई यू मागे होता छी रे 1v4 होता रे नहीं रे एक्चुअली मारना तो मारे ना तो तटला होता ओके रे होती इट्स ओके सब जी जी का नहीं 1v3 क्लच फालतू गलो मारा मागना फायर तो इट्स ओके सर जी 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 ब्रदर्स हॉलो गेला डॉक्टर कोणा बघा लागलाय मायला नाही काय माहिती काहीतरी मिळालं थांब इन्व्हेंट हो थांब 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 या टायमाला ना गोडी जाणार यो काय ना का मेत आहे भाई ले फालतू मायला काय ना घट आता नाही उघडत चालय मिनी बर्ड आहे भेटी अपग्रेडेबल नाही ई मिनी पाय अपग्रेडेबल मला स्किन मिळाली अबे हट बे देवा अबे ये काय टी शर्ट मैच चालला दे ना ते डॉक्टर कडे गेला च
अच्छा हाँ ओके मामे तिर दिया तो खाड़ बाकी ओहो भाई भाई माझी जोधपुर मा जोधपुर मही जोधपुर भाई एक नंबर तीन नंबर किधर है ब्रो वेयर आर यू जोधपुर मही जोधपुर मही कहाँ पे रहता है जोधपुर में रहता है क्या भाई ए मही जोधपुर आने का है मेरे ए महेंद्र तू कहाँ पे रहता है जोधपुर में क्या ना ये पहचान लिया तेरे को मैं तू पहचाना मेरे को शाबोई 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 डॉक्टर कॉपरेट एंड रे ओए जूस काल जल्दी उठना है हाँ हाँ वो डॉक्टर डॉक्टर कॉपरेट एंड रे अरे आई सुन रही वो आ जाओ वो आ जाओ वो आ जाओ डाड़ा फोन तक सब सब फोन तक डाड़ा मस्त गाने काट लिया दूध वाला गाड़ी वाला आया जरा कचरा निकल अरे रे 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 मैं थे लड़ा तटला कौन है का वॉच आउट लौकर है हम तो होल्ड कर वरती है वरती 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 होल्ड कर दो थम 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 माय हेल्थ नहीं डॉक्टर बादला पर दोगो मरती त्याने लोड केली ताई पत्रा लोड केली घुस नका घुस रेडी समोर से समोर से राइट ले तो राइट ले ब्लैक नॉक पर्सन ओपी नॉक तो एकटा होता मैं पिज़्ज़ा थाम थाम भी के फटे से आए तू नगर ला तू नगे दोगो थे मिला अंकल डॉक्टर नसीब घुस लेने अंधा दूध डॉक्टर नू बांगते की तांगते डॉक्टर नू अरे भाई खेता नहीं की अरे अटे लड़ा तू मारा राइट साइड ला पब्लिक ना था मैं फिंटा
कटते त्याला नाही बिल्डिंग मधलं किती होत एक खपिला का फटे थाम 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 आला थाम कुल जो बोले तो नहीं करेगा उड़ी गोली मार ली जरा खटे सेकंड फ्लोर थर्ड सेकंड फ्लोर सेकंड फ्लोर ला खटला ऑटो घुस लगा तो तू काय लपलो आडे कॅम्पिंग कर बाबा तू असं करून नाकर Enemies ahead. भाई किधर है वो? मार करना भाई। Marked a location. Yala katta dila tu. नाम रेखा है मार्क द लोकेशन ओए काय हिट मारले मी त्याला यो मर क्यों रे बेंग भाई कोड हिट मारशे सही हेल्प बघा लगे मला लिटरली मी त्याला एवढा हिट मारले ना भाई डॉक्टर द लेफ्ट गाडी ही बघ हमली अटेस पेल 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 इजी पेल आयला रे पेला पाया था काय नाही सर निकला तो निकला है थोड़ा नेट दाएं बतुआ नेट दाएं कहीं से वो पर एक आई प्रॉपर कट है तो मार कर टाइटन चाहिए ले वो समोर दर्शन के समोर निकला है ग्रास मंदिर मार मार ग्रास मंदिर एक नंबर तो राइट ला भाई पिता राइट नहीं अरे राइट नहीं नगर है तलाक के तेरे भाई माने यहाँ कहीं तेरे सीन वाटे बहन चोदियो यो आर फोर यार मारा पण नॉक केलता ना डॉक्टर होल्ड कर नेम होल्ड केले टारगेटेड स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बोलना चाहोगे अरे ब्रो क्या ही बोलने का टारगेटेड स्पोर्ट टी ई इज जिंदाबाद ब्रो मेटाट्रॉन मेटाट्रॉन बहुत मस्त खेलते हैं ब्रो समोर है तुम भी देखे दादा तो निकला है चल लागेस में फायर बस बस पाव बस फायर नहीं लागे चला रिलोड कर रिलोड कर तो चल ला लेफ्ट ला लेफ्ट ला लेफ्ट दादा मेरे हट नहीं निकला हां हिल करते अरे अरे ये काट स्कोप काट जा लवकर
अरे यार ठीक है चला। हाँ एडीएस होके गेट लो समझ जी जी कहीं क्या करते लोकर धोमर धोमर चला चला होगा चला 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 कम ऑन। अरे भाई तू अखड़े में एडीएस बोकुन ना लेफ्ट राइट क्या करते हो करे धड़क ये बोको पैनिक होते हैं यार टाइम मार कुत्रा रखो मारे ना कुत्रा रखो है ना फिश कर भेंडी थी बिजा की जीते तो डॉक्टर। अरे हिल अप से कर हाइट ना है ना पेट में ना डॉक्टर वाच आउट हेप पैन 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 तुम्हारा फिनिश के एक खटन मादर पार साला ओ वरती वो तू घरा वरती धोबो काय वरती जरा खाली उतरून तो खाली उतरून त्या हरी हिरव्या हिरव्या मार्क द लोकेशन हा त्या मला दिने तो मग पण तयार दिसतो आला बा तो बाहेर आहे बॉट आहे मारतो त्याला बॉट आहे तो गाडी घेऊन जाय नाही दोन मिनिट असे दडा आम्ही राहते काय फ्लैग पे रहे मागे भी था एक तो स्प्रे के ना निकला खाली निकला तो समोर त्या मागे तो बस समोर होल्ड कर काही ना करू जा जा डॉक्टर काय डॉक्टर काय पडते काय करताय करता गाडीत नाही उतरला त्याला काढलं तुम्हा एक्झिट ना ते होते ते आपलं ब्रेक तर एकच मिळेल एवढा मिना तर असेल जे ना खेल ना खपो ना मॅच ठीक असत जा गाडी घेऊन ना फिरव पेल बीजी गाडी बघ दोन चालू झाला लेफ्टला होतील मोस्ट प्रॉब्ली त्या घरामध्ये होतील तेव्हा लेफ्ट साईडच्या त्या पुढच्या 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 ब्लूमसर मेरे ब्लूमसर असतात काय इशपोट तटला त्या घरामध्ये त्या वैरागमध्ये होतील कडे समोर घरामध्ये प्लेअर आहे दिला का तुला नाही ना मला वाटलं त्याला प्लेअर बघू कंटेनर बघितलं नाही रे वरती तू बघा फास्ट फिर इथे राईटला फिर राईटला फिर राईटला राईटला फिर राईटला 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 अजून राईटला राइट के अंदर
अरे ये अंधा है, उसको छोड़ो, उसको कुछ बोलो ही मत, इसको स्पॉट ही करने दो। डॉक्टर का किल पैर तैयार का ड्रॉसन चार का ड्रॉसन ड्रॉसन दडला मस्त पैकी हे करायला लागलो होता रे पब्लिकला मारून इमोट करायला लागलो होता पाटकन बेणी एम टू फोर चा हेडशॉट केवढे पेन्शन मारलं नाही का। अरे फिश मार जरा फिश मार फिश मार आता मार फिश अरे भाई भाई एक नंबर मजा आली चला माझे पण ना पडत म्हटलं मला वाटलं पैसा एक लाख लागला नाही नाही बर मेच नाही भाई तू असाय का उद्या कटे रे कटे रे नांगवला त्याला डबल टुकाला अरे काय आहे ना ते मी थोडे वेट जास्ती मारलो बॉडी बिडी वाढली ना रंगावला तू अच्छा हा मग तू येऊच नका तू नाही आलेलाच बरा तू घरात रे अरे लोडू रे पाटील ते लोडू लोडूला हा भाई की शेवटचा गेम आहे आता तू केला जातो उद्या फर्स्ट जिमला असा रे जिमला मी तू एरियल पाळते यो काय करे बघील तरी ना पहिला बघीन उद्या आकाशी थोडं लाईट आहेत मारेल रे एवढं काही अरे तो हरीश आपला फ्रेंड आहे हरीश कोणतं पोलीस काय बोलते वगट ना फ्रेंड त्याला क्रिकेट फुटबॉल खेळायचा अच्छा काय बोलते बर जीव था बोल मी त्याच्या आठ हा यो शेवटचा की माहिती मला होय सॉन्ग ऑफ कर अख्ख्या व्हिडिओवर कॉपीराइट आलं अच्छा अच्छा तेच ना काय बोलस यानं फुटबॉल खेळता नाही मज्जा येते होय गन फाईट आता मी काय चुकते केलं का मला फॅन दिला ते नाही मी काय चुकी केलं का मायामध्ये गनच लोड नाही अरे काय केलं मीन होय दाडा होड ओय मायामध्ये गनच नाही भाई सिक्स पैक का वो अरे फुल सिक्स पैक
for real this time. Down there, doctor. काय तो दादा काय नक मारते जायची जाय तुझ्या या बिल्डिंग मध्ये नक मारले बोल ना मैं बिल्डिंग मन वरती नहीं कुछ भी अरे भाई ये क्या बिजली करता है फोन ना थाम 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 डॉक्टर थाम घुसना का होल्ड हो होल्ड हो होल्ड हो कुछ नहीं मरना क्या घर में पढ़ते हो लाइट से बिल्डिंग में पढ़ते हैं रे उसके या मार्क द लोकेशन मैं मेरे भाई आमर ने मोड़ मिला दे घुसना का ना मेल मिली था पर देव दारा है हला गू वर्ती 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 डॉक्टर थोड़ा करता रे मैं आलता रे डॉक्टर स्वाहा भाई काय डोक चालले ना मी एकदम डेंजर वाला डोक होता रे अरे मी हांतो आ तुम्हाला ना काय अरे मी तटे फर्स्ट फ्लोर वर वेज पता नाही खेळता बघितले त्या भाई आपाय समोर होता अख्खा नुसतं टाइम वेस्टेड आहे यार ते दादा काय टाइम वेस्ट केलं त्यावेळेस आपण गेलो होते बरं झालं मॅडम नुसतं फालतू केलं मेमडीशी मिली का मेन बिल्डिंग सी मिली का ये क्या आवाज बोलने इतने कोटे के लिए अभी 91 हेलो ब्रो अल्लाह भाई कैसे हो भाई कहाँ से आप महाराष्ट्र आई चा गाँव था मराठी रे अरे मराठी अरे यार एक हिट करता गेला तो भाऊ तू स्प्रे कशाला थांबवला ज्यूस भाऊ अरे मॉटला टोपर दिले मॉटला कोण येते का हे चम्मा इने मारते रे यो कुठन मारते करता का डांस कर थोडा तो तू कुठन मारते कट तब 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 परत करू परत करू परत करू ओ भाई
चल निकल माय गॉड व्हाट पहली फुर्सत एकदम आया फिरून तासा माहिती पडलं वार मोड झाले टाइटन पे पैसा लगाओ मैं बोलता हूँ 1v3 हो जाएगा तो ताकि टाइटन को मार के जाएगा मेरा 100 रुपया मेरा 100 रुपया भाई 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 मेरा तेरा 100 रुपया भाई मेरा 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 50 रुपया अरे वो एकटा सेटल नहीं नहीं मेरा मेरा खत्म हो गया मेरा पैसा काट दिया मैंने ए ओके चलो भाई बेवाला भाई ये भाई मैंने बेट लगाई थी अगर स्पोर्ट चार जन रहेंगे तो मैंने बेट लगा रही ओय भाई कपिल तर रे देवा मावले साहेबीने काय रे भाई भाई सेट तर एवढे मॅच बदलला अपलोड आहे खट सर अरे यार तू बघ ना दीदी किती राहिली होती शिवे मी तरी बोलला तुला रे दुसरं मला दिलास नाही तू मेरे पैसा लगाया था ना भाई तू कैसे जीतेगा चुपे आय जगा चलो भाई गुड नाइट हेलो हेलो चेक माइक चेक ओ लड़ा बोल बोल ओ सला गुड नाइट हाँ गुड नाइट उद्या उद्या हाँ हाँ उद्या 3 ना 4 लग लग रहते हैं चल चल बाय 3 ना 4 लापर मुझे दोनों टाइम क्या सही है हाँ माँ दोनों टाइम क्या सो 3 ना 4 आयला फुल बूम बम कर लेते चल बाय 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 गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट चलो गाइस तो टाटा बाय सी यू अस्सलाम वालेकुम गुड नाइट्स विद ड्रीम्स टेक केयर मिलते हैं कल वापस से बूम बम करने के लिए शाम को तब तक के लिए गाइस एवरीबॉडी स्टे सेफ एंड टेक केयर